हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी ने एकदम बढ़िया रहना है और एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम्स की तैयारी आपको चालू रखनी है। तो पिछले क्लास में हमने हमारा सीए फाइनल एएफएम का प्रैक्टिस बैच चालू कर दिया था एंड उसमें हमने स्टार्ट किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे एंड मैंने मेरे ख्याल से आपको सिर्फ दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। कौन से थे दो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में थे कौन से थे? दो क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 41 और 47 होमवर्क में था। एक बार बताना, क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 47, ये दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे मैंने आपको। ठीक है, बन गए। क्वेश्चन नंबर 47 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना लिया है सभी ने? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 41 और 47 में अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने इक्विटी वैल्यूएशन वाले पार्ट से स्टार्ट किया था एंड उसके हमने क्वेश्चंस बनाने चालू कर दिए थे पिछली क्लास में। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ होमवर्क दिए थे, उसमें एक था आपका क्वेश्चन नंबर 41 एंड एक था क्वेश्चन नंबर 47। अगर कोई डाउट होगा तो पूछो, वरना मैं नया क्वेश्चन जो है फिर स्टार्ट करता हूँ। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो चलो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सभी अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे एक बार रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर, अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ रुपीज 137.80। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है और बुक वैल्यू पर शेयर भी दे रखा है आपको, जो कि कितना है, 137.80 है। एंड इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स। बेसिकली आपको रिटेंशन रेशियो दिया है, रिटेंशन रेशियो कितना है, 60% है। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, कंप्यूट द प्राइस ऑफ द शेयर टूडे यूजिंग बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल। देखो, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, उसे आप यूज में लो और बताओ आज की तारीख में कंपनी का शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए। फटाफट से यूज में लो, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में उसे आप कैसे यूज में लोगे बताना। यहाँ पर आपको बुक वैल्यू पर शेयर दिया है, ये बुक वैल्यू पर शेयर दिया है आपको, बुक वैल्यू पर शेयर दिया है यहाँ पर, बुक वैल्यू पर शेयर जो कि कितना है, 137.8। एंड साथ ही में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखा है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखा है जो कि कितना है, 15%। अगर मैं आपको यहां पर पूछूं कि अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा टाइम टी इक्वल्स टू वन पे, अब वो आप इजीली निकाल सकते हो कि नहीं, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू वन। ठीक है, देखो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला सभी को पता ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, ये फॉर्मूला जो है मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर। एंड नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होगा, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, यहां पर हम एकदम इजीली अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हैं एट ए टाइम टी इक्वल्स टू वन का, जो कि क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगर मुझे अर्निंग्स पर शेयर चाहिए एट टाइम टी इक्वल्स टू वन का, तो क्या रहेगा, बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। फटाफट से कर लो, बुक वैल्यू पर शेयर कितना है, 137.8 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रखा है, 15%। तो 137.8 मल्टीप्लाइड बाय 15% कितना होगा, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ आप लोग भी करते जाओ कैलकुलेटर पे, 137.8 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 137.8 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो ये आपका 20.67 आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका 20.67 आ रहा होगा, चेक कर लो, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू वन आपका 20.67। ठीक है,
देखो जो कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका T1, ओके, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। यहाँ पर देखो मेरे पास अर्निंग्स पर शेयर आ चुका है एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 का, मुझे अब निकालना है डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1। कैसे निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो आपको रिटेंशन रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, रिटेंशन रेशियो 60% है, रिटेंशन रेशियो 60% है। आप मुझे बताना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो रहेगा आपका 100% माइनस 60%, 100% माइनस 60% जो कि कितना रहेगा 40%। डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 40%। हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर अवेलेबल है टाइम टी इक्वल्स टू 1 का जो कि कितना 20.67, साथ ही में हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो भी पता है जो कि कितना 40%। आप एकदम इजीली क्या चीज निकाल सकते हो, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो कि कितना रहेगा अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 20.67 मल्टीप्लाइड बाय 40%। करो फटाफट से, 20.67 मल्टीप्लाइड बाय 40% कितना आएगा, कितना आ रहा है ये 8.268 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख देते 8.27। तो डिविडेंड पर शेयर आपका आ चुका है एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो कि कितना है 8.27। आप ध्यान से देखो आपको क्वेश्चन में जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है जो कि कितना है 18%। तो इसको हम के ही मानेंगे, इसको हम के ही मानेंगे जो कि कितना है 18%, ठीक है। ग्रोथ रेट हम एकदम इजीली निकाल सकते हैं, ग्रोथ रेट हम एकदम इजीली निकाल सकते हैं। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो रिटेंशन रेशियो कितना है 60% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, ठीक है। तो आपका ग्रोथ रेट कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेशियो 60% यानी इसको हम 0.6 लिख दे रहे हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 15% ये कितना आएगा 9% आ रहा है। ग्रोथ रेट कितना आ गया 9%, ठीक है। अब आपको जो है शेयर प्राइस निकालना है, ठीक है, आज की तारीख में यूजिंग डिविडेंड, आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो, तो P0 इज इक्वल्स टू व्हाट, D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो D1 की जगह हम लिख देंगे, D1 की जगह डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है 8.27, 8.27 डिवाइडेड बाय के की जगह हम लिखेंगे 18% माइनस ग्रोथ रेट की जगह हम लिखेंगे 9%। फटाफट से कर लो और बताओ क्या आएगा आंसर, 8.27 डिवाइडेड बाय 18% माइनस 9% क्या होगा 9%। तो 8.27 डिवाइडेड बाय 9%, 8.27 डिवाइडेड बाय 9% कितना आ रहा है, ये आपका 91.89 आ रहा होगा, ठीक है, 91.89। तो ₹91.89 पर शेयर, ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो हमने निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो वॉल्टर्स मॉडल से भी निकाल लेते हैं। अब वॉल्टर्स मॉडल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता रहना चाहिए, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्टर्स मॉडल का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखना, शेयर प्राइस जो है, ठीक है, शेयर प्राइस जो है आपका वॉल्टर्स मॉडल से निकलता है वो होता है D प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय K, ठीक है, D प्लस R अपॉन K मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट्स E माइनस D अर्निंग्स पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओके। वॉल्टर्स मॉडल से अगर आपको क्या करना है, शेयर प्राइस निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका, टी प्लस आर अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस डी अपॉन के। वैल्यूज पुट करो फटाफट से, टी मतलब होगा आपका डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, ई मतलब होगा अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, आर मतलब रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, के मतलब क्या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा,
डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन कितना आया था, 8.27, 8.27 लिखते जाना, 8.27 प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 15%, तो डेसिमल में लिख देते 0.15। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 18%, तो डेसिमल में कितना हो गया 0.18। ब्रैकेट में ई माइनस डी, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन माइनस डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन। अर्निंग्स पर शेयर कितना आया था हमारा 20.67 आया था, एंड डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन कितना आया था, डिविडेंड पर शेयर 8.27 आया था। दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, 20.67 माइनस 8.27, 20.67 माइनस 8.27 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ क्या है, के ही है जिसकी वैल्यू क्या है 0.18। फटाफट से ये पूरा कैलकुलेटर पे करो और बताओ क्या आ रहा है, फटाफट से पूरा की पूरा चीज कैलकुलेटर पे कर लो और बताओ क्या आ रहा है। 20.67 माइनस 8.27 ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई करो 0.15 से, डिवाइड करो 0.18 से, तो इसमें प्लस करना 8.27 और आखिरी में डिवाइड कर दो इसे 0.18 से, कितना आ रहा है 103.35 आ रहा होगा। ठीक है, आप सभी का 103.35 आ रहा होगा, तो 103.35 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया सभी को, फटाफट से बताओ। सिंपल क्वेश्चन था, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको एमसीक्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। क्या करेगा, दो एमसीक्यूज पूछ लेगा, एक पूछेगा कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो बताओ, और दूसरा एमसीक्यू पूछेगा वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, या फिर उसको पूछना रहा हो तो ये तक पूछ सकता है कि अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा एट टाइम टी इक्वल्स टू वन। ठीक है, उसके ऊपर भी एमसीक्यू बना के पूछ लेगा। ठीक है, एमसीक्यूज बना रहा हो तो किधर से भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वही है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि उन्हीं को ही क्या करेगा एमसीक्यूज बना के पूछेगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़े, समझ में आ गया पूरा, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है सिर्फ वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और वो भी स्टडीमेट में दे रखा है। ठीक है, एंड जमाने पहले जो है ये आपको क्या किया था, एग्जाम में पूछा गया था, बट उसके बाद से कभी आया नहीं है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन उन्होंने स्टडीमेट में भी दे रखा था। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है जहाँ तक, वो मैंने इनकॉर्पोरेट करा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखना जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करना स्टार्ट करो सभी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक्स ऑफ आरके लिमिटेड, कंपनी हैज 3 डिविजन्स ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिविजन ए कैप्चर्स 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल्स विच इज फोरकास्टेड टू बी ₹50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, ये सब देखो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ही आपको यूज में लेना पड़ेगा। डिविजन ए कैप्चर्स 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल्स विच इज फोरकास्टेड टू बी ₹50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में डिविजन ए ऑपरेट कर रही है, उस इंडस्ट्री का जो सेल होगा वो कितना रहेगा, 50 करोड़ रहेगा, ऐसा का फोरकास्ट लगा रहे हैं। और डिविजन ए का सेल्स कितना रहेगा, इंडस्ट्री का जो सेल हो रहा है उसका 10%, यानी कितना रहेगा 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी कितना हो जाएगा 5 करोड़। आगे रीड करना, डिविजन बी एंड सी कैप्चर्स 30% एंड 2% ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री सेल्स एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट ₹20 करोड़ एंड ₹8.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो डिविजन बी का सेल कितना रहेगा, डिविजन बी का सेल कितना रहेगा 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30%, 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30%, जो कि कितना आएगा आपका 6 करोड़ आ जाएगा। और डिवीजन सी का सेल कितना रहेगा, 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2%, 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2%, ये आपका मेरे ख्याल से 0.17 आ जाएगा, 0.17 करोड़। तो डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी का सेल डायरेक्टली नहीं दिया था, बट उसको हम इजीली निकाल सकते। आगे देखना, ये जो डेटा था उसको हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया। आगे, डिवीजन ए ट्रेडिशनली हैड 5% नेट इनकम मार्जिन, वेयर एज डिवीजन बी हैड 8% एंड 10% नेट इनकम मार्जिन रिस्पेक्टिवली। आपको डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी
इन्होंने डिविजन्स का आपको नेट इनकम मार्जिन भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दे रखा है। तो आप इजीली बताओ क्या निकाल पाओगे, आपके पास तीनों ही डिवीजन का सेल्स भी है, आपके पास तीनों ही डिवीजन का नेट इनकम मार्जिन भी है, आप क्या चीज़ निकाल सकते हो? आप तीनों डिवीजन्स का नेट प्रॉफिट जो है, नेट इनकम जो है वो निकाल पाओगे। ठीक है, आगे देखो, आरके लिमिटेड हैज 3 लाख शेयर्स ऑफ इक्विटी स्टॉक आउटस्टैंडिंग विथ सेल एट ₹250। आपको और क्या डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो कंपनी है आरके लिमिटेड, इसके 3 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और आज की तारीख में उनका प्राइस कितना है, ₹250 का है। ये सब आपको डेटा क्वेश्चन में दिया है। आगे, द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 10 ईयर्स अगो, हाउएवर फ्रॉम द मार्केट सोर्सेज यू कम टू नो दैट आरके लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 ईयर्स टाइम एंड द पे आउट रेशियो इज 30%। ठीक है, तो कंपनी ने पिछले 10 साल से तो डिविडेंड दिया नहीं है और ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 साल भी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, However, from the market sources you come to know that RK Limited will start paying dividend in 3 years time and the payout ratio is 30%। मतलब पहले 3 साल तो नहीं देगी, उसके बाद से जो है डिविडेंड देना चालू करेगी और payout ratio कितना रहेगा, 30% का रहेगा। आगे, expecting this dividend you would like to hold the stock for 5 years। यहाँ पर holding period कितना है, 5 साल का। By analyzing the past financial statements you have determined that RK Limited's required rate of return is 18%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है कितना, 18% एंड पी रेशियो इज 10 फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ऑन एंडिंग पी रेशियो ऑफ 20 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आर अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट, वुड यू परचेज आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट एंड सेकेंड, इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% कंटिन्यूअसली हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड। टैक्सेशन इग्नोर करना है और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो 1 साल का फोरकास्ट है उसके हिसाब से आज की तारीख में कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहना चाहिए हमारे हिसाब से, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे, जो हमारा 1 साल का फोरकास्ट है उसके हिसाब से आज की तारीख में शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए हम वो निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से, फिर उस हिसाब से हम जो है कमेंट कर सकते हैं कि हमने शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वैसा। ओके, फटाफट से जो है सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी, तीनों डिवीजन की जो सेल्स है वो आप लिख के बता दो। डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी, तीनों ही डिवीजन की आपको क्या करना है, सेल्स लिख के बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, नवंबर 19 पेपर में, उसके पहले जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था और ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा एम्बिगियस कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्यों एम्बिगियस है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आईसीआई ने जो सॉल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा सा गलत है, इस वजह से एम्बिगियस कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहाँ पर जिसका सॉल्यूशन अभी बनेगा, ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा साथ साथ में लिखते जाना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी, तीनों डिवीजन की आप सेल्स निकाल लो। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, आपको तीनों डिवीजन का जो है क्या करना है, नेट इनकम निकाल लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो पूरा कंपनी है का ओवरऑल नेट इनकम निकल के आ जाएगा, उसका ओवरऑल पैट निकल के आ जाएगा। आपको पता है कंपनी के पूरे मिला के कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हो, कंपनी का जो है अर्निंग्स पर शेयर आप निकाल पाओगे। और आपको जो है क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि 1 साल के बाद जो है पी रेशियो कितना रहेगा, 1 साल के बाद पी रेशियो कितना रहेगा, 10 रहेगा। उसे आप यूज में लेके इजीली क्या कर पाओगे, कंपनी का शेयर प्राइस जो है, कंपनी का शेयर प्राइस जो है फर्स्ट ईयर के एंड में कितना रहेगा वो आप निकाल लोगे। ठीक है, एक बार आपका कंपनी का शेयर प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड में आ गया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो उससे क्या होगा, आपका आज की तारीख में कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहना चाहिए 1 ईयर फोरकास्ट के हिसाब से वो निकल के आ जाने वाला। ठीक है, तो ऐसे पूरे स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, फटाफट से जो है आपने क्या करना है, तीनों ही डिवीजन का जो सेल्स है वो लिख के बता दो। तो डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी, क्या क्या सेल्स रहेगा फटाफट से लिखो और कमेंट करते जाओ आंसर। ठीक है, डिवीजन ए का सेल्स कितना रहेगा, डिवीजन ए का सेल्स 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक है, 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10%, 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये कितना आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है। एंड डिवीजन बी का सेल्स कितना रहेगा, डिवीजन बी का 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 30%,
ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई 30%, तो ये कितना हो गया 6 आ रहा है। और डिवीजन सी का सेल्स कितना रहेगा 8.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 2%, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2% कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेटर पे 0.17 आ रहा है क्या, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2% कितना आ रहा है 0.17। ये हमने क्या करा, फोरकास्टेड सेल्स निकाल दिया, पहले साल का सेल्स क्या क्या रहेगा तीनों डिवीजन का, वो हमने निकाल दी, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों डिवीजन का जो नेट इनकम रहेगा वो भी हम निकाल देते, डिवीजन ए देन डिवीजन बी और उसके बाद डिवीजन सी। तो हमारे पास फोरकास्टेड सेल्स है तीनों डिवीजन का और साथ ही हमारे पास नेट इनकम मार्जिन भी है, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है। फटाफट से तीनों डिवीजन का नेट इनकम निकाल लो, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो, क्या आएगा, डिवीजन ए का सेल्स जो कि है 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय उसका नेट इनकम मार्जिन कितना है 5%, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5% कितना आ जाएगा 0.25। ये सब करोड़ में, हम जो भी पूरी फिगर्स लिख रहे हो करोड़ में। नाउ डिवीजन बी, डिवीजन बी का सेल्स कितना आएगा बताना, डिवीजन बी का सेल्स इसका नेट इनकम मार्जिन कितना है 8%, तो डिवीजन बी का सेल्स है 6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8%, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8% ये कितना हो जाएगा 0.48, ये 0.48। और आखिरी में डिवीजन सी का सेल्स निकाल लो, डिवीजन सी का सेल्स सेल्स तो निकाल लिया, डिवीजन सी का सेल्स तो निकाल लिया, नेट इनकम निकाल दो। सो डिवीजन सी का सेल्स कितना है 0.17 और उसका नेट इनकम मार्जिन कितना है, डिवीजन सी का नेट इनकम मार्जिन है 10%, तो 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 10% 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना हो जाएगा 0.017, ठीक है। ये आपने क्या करा, फोरकास्टेड फोरकास्टेड नेट इनकम भी निकाल दिया, ये फोरकास्टेड नेट इनकम। अब आपने क्या करना है, टोटल इनकम निकाल लो कंपनी का, ठीक है, कंपनी में तीन डिविजन्स थे ना ए बी और सी, वो जो कंपनी आर के लिमिटेड उसमें तीन डिविजन्स थे, तो हमने तीनों ही डिवीजन का जो फोरकास्टेड नेट इनकम है वो निकाल लिया। तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल इनकम चाहिए पूरा ओवरऑल कंपनी का, ठीक है, तो ओवरऑल ओवरऑल नेट इनकम ऑफ कंपनी, ओवरऑल नेट इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या, आर के लिमिटेड, वो क्या रहेगा, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन करो फटाफट से, 0.25 प्लस 0.48 प्लस 0.017, कैलकुलेटर पे कर लो ये चीज, 0.25 प्लस 0.48 प्लस 0.017 कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.747, ये आपकी सभी फिगर्स करोड़ में है, ओके 0.747 करोड़। अब देखो आपको क्वेश्चन में एक डेटा और दिया था, ये जो कंपनी आरके लिमिटेड इसके कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, इसके कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना दिया आपको, 3 लाख दे रखा है, क्वेश्चन देखते जाना साथ साथ में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 3 लाख है, इसको भी करोड़ में लिखो, ठीक है, ये 3 लाख को करोड़ में लिखो, हमने सभी फिगर्स बाकी करोड़ में लिख रखी, तो 3 लाख इन करोड़ विल बी व्हाट, 3 लाख इन करोड़ विल बी व्हाट, 0.03 करोड़, ओके 3 लाख यानी क्या होगा 0.03 करोड़। अब हमारे पास ओवरऑल नेट इनकम है आरके लिमिटेड का और साथ ही में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी है, कितना है 0.03 करोड़। हम इजीली क्या चीज निकाल पाएंगे, अर्निंग्स पर शेयर निकाल पाएंगे ओवरऑल कंपनी का, निकाल लो अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1, ओके ये पूरा ओवरऑल कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर आएगा, कितना रहेगा ओवरऑल नेट इनकम जो है 0.747 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो कि कितना है 0.03, डिवाइड करना फटाफट से, 0.747 डिवाइडेड बाय 0.03, 0.747 डिवाइडेड बाय 0.03 कितना आ रहा है 24.9 आ रहा है, ठीक है ये आपका कितना आ रहा है 24.9 आ रहा है, तो ₹24.9 पर शेयर ये आपका अर्निंग्स पर शेयर है, ठीक है अर्निंग्स पर शेयर कितना आ गया 24.9। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि पी रेशियो जो है, ठीक है नेक्स्ट ईयर पी रेशियो कितना रहेगा 10 टाइम्स रहेगा, पी रेशियो जो है नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा 10 टाइम्स रहेगा, तो देखो पी रेशियो
फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, पी रेशियो फॉर नेक्स्ट ईयर जो है कितना है, 10 times है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है. अब इसे आप कैसे यूज में लोगे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए टाइम टी इक्वल्स टू वन का? बहुत इजीली कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन क्या रहेगा? जो आपका अर्निंग्स पर शेयर है एट ए टाइम टी इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो. ओके, नेक्स्ट ईयर यानी क्या होगा, फर्स्ट ईयर का पी रेशियो दिया ना आपको, एक साल के बाद जो है पी रेशियो कितना रहेगा, 10 times रहेगा. और हमने एक साल के बाद जो है कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर जो रहेगा वो भी हमने निकाल दिया. ठीक है, हमारे फोरकास्ट के हिसाब से कितना है, 24.9 है. तो हमारे फोरकास्ट के हिसाब से कंपनी का शेयर का प्राइस जो है फर्स्ट ईयर के एंड में कितना रहेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में 24.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि कितना आ रहा है, ₹249 पर शेयर. ओके, ये हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर आया एट टाइम टी इक्वल्स टू वन. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, तो क्या होगा हमारा आज की तारीख में शेयर का प्राइस कितना रहना चाहिए हमारे फोरकास्ट के हिसाब से, वो निकल के आ जाने वाला. ठीक है, फटाफट से निकाल लो उसे. तो उसके लिए आपको डिस्काउंटिंग का रेट क्या है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी डिस्काउंटिंग का रेट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है. कितना है देखो, आरके लिमिटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज वॉट, 18%. आरके लिमिटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%. सो डिस्काउंटिंग का रेट क्या लोगे आप, 18%. फटाफट से निकाल के रख दो इसे. मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन इज वॉट, ₹249. मुझे अब क्या चाहिए, आज की तारीख में शेयर का प्राइस क्या रहेगा हमारे फोरकास्ट के हिसाब से, वो चाहिए. तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, दिस विल बी वॉट, मार्केट प्राइस पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, वन प्लस के, वन प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वैसा. अब ये क्या हो जाएगा, 249 डिवाइडेड बाय वन प्लस आपको जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% दे रखा है, डेसिमल्स में कितना होगा, 0.18. डायरेक्टली लिख दो, 1 प्लस 0.18 इज व्हाट, 1.18. ये 1.18 डिवाइड करना है इसे, 249 डिवाइडेड बाय 1.18 कितना आ रहा है, 249 डिवाइडेड बाय 1.18 ये आपका आ रहा है दो डेसिमल प्लेसेस तक, 211.02. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या पूछा था, वुड यू परचेज आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर वन ईयर फोरकास्ट. आज की तारीख में करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 250 है. आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस जो कितना है, 250 है. फटाफट से कमेंट करके बता दो क्या करना चाहिए. मार्केट प्राइस पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो कितना है, 250 है. क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से कम है. इंट्रिंसिक वैल्यू एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इज लेस देन द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर. हम क्या बोलेंगे, शेयर क्या है, ओवर प्राइज्ड है. हमारे हिसाब से शेयर का प्राइस जो है कितना रहना चाहिए था, सिर्फ 211.02 रहना चाहिए. ठीक है, 211.02 रहना चाहिए था. हमारे हिसाब से जो है शेयर का प्राइस 211.02 रहना चाहिए था, बट एक्चुअल में जो है आज की तारीख में शेयर का प्राइस कितना है, 250 है. तो शेयर क्या है, ओवर प्राइज्ड है. क्या होगा, हमने शेयर्स नहीं खरीदना चाहिए. ओके, तो आरके लिमिटेड शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड. आरके लिमिटेड शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड एंड वन शुड नॉट परचेज द शेयर्स. ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है. फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल दिया है. अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था, इफ यू एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% कंटिन्यूअसली, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो अर्निंग्स है वो 15% के हिसाब से ग्रो करते जाएगी के फॉर एवर टाइम पीरियड के लिए, मतलब हमेशा के लिए, तो उसके लिए आप आज की तारीख में कितना रुपया देने को तैयार रहोगे. ठीक है, उसके लिए आप कितना रुपया देने को तैयार रहोगे. तो अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि कंपनी जो है डिविडेंड जो है कब से देना चालू करेगी. देखो क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, हाउ एवर फ्रॉम द मार्केट सोर्सेज यू कम टू नो डेट आरके लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 years टाइम
एंड द पे आउट रेशियो विल बी अबाउट 30% एंड एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और पांचवें साल का हम क्या करेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे 5th ईयर के एंड में और बाद में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले 5 साल के डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यूज आए थे, ठीक है, हमारे जो पहले 5 साल के डिविडेंड्स है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू का समेशन आपका आएगा, एडिशन जो आएगा वो, और जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू आएगा 5th ईयर के एंड में, जो टर्मिनल वैल्यू उसका भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एक साल का फोरकास्ट नहीं लेना है पूरा, आपको क्या करना है, जितना डेटा दे रखा था क्वेश्चन में पूरा की पूरा इस्तेमाल करना है। सेकंड वाले पार्ट में आपको पूरा की पूरा डेटा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, ये जो पहले 5 साल है इसका आप क्या करो, डिविडेंड निकाल लो। ठीक है, हर साल का आप डिविडेंड निकाल लो, जो साल में डिविडेंड है निकाल लेना, जो साल में नहीं है वहाँ पर 0 लिख देंगे वैसा। फिर उनका हम प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाल लेंगे। उसके बाद का स्टेप क्या, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, आप टर्मिनल वैल्यू निकालोगे 5th ईयर के एंड में और उसके बाद क्या करोगे, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे और बाद में इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, चलो फटाफट से काम करना स्टार्ट करो, इसके ऊपर टेबल बना लेना। ये टेबल बना लेना, टेबल कैसे बनाओगे, पहला कॉलम बनाओ ईयर्स का, पहला कॉलम बनाओ ईयर्स का, दूसरा कॉलम बनाओ डिविडेंड पर शेयर का, तीसरा कॉलम बना लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का और चौथा कॉलम बनाओ प्रेजेंट वैल्यूज का। ठीक है, ये सेकंड वाले पार्ट के लिए अब हम पूरा काम कर रहे हैं। ईयर, देन डिविडेंड पर शेयर, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और आखिरी कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज का। ठीक है, ईयर में देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5। पहले साल कुछ भी डिविडेंड रहेगा क्या, पहले साल कुछ भी डिविडेंड रहेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था, फ्रॉम द मार्केट सोर्सेज यू कम टू नो डेट आरके लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 ईयर्स टाइम। इसका मतलब क्या होगा, पहले साल डिविडेंड कुछ भी देने वाली नहीं है कंपनी, दूसरे साल भी कुछ भी नहीं देने वाली, तीसरे साल से देना चालू करेगी। ओके, तो पहले 2 साल तो डिविडेंड कुछ भी रहने वाला नहीं है। डिविडेंड पर शेयर 1st ईयर में 0, 2nd ईयर में भी 0, 3rd ईयर में कितना रहेगा, 3rd ईयर में कितना रहेगा, फटाफट से कमेंट करना, 3rd ईयर में डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे आप, अर्निंग्स पर शेयर जो रहेगा 3rd ईयर का मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। आपको पे आउट रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 30% है, पे आउट रेशियो कितना है 30% है। ठीक है, आप बस अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो 3rd ईयर का, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो 3rd ईयर का, आपका काम हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक अर्निंग्स पर शेयर का भी कॉलम बना लो। ठीक है, आसान रहेगा, एक क्या करना, अर्निंग्स पर शेयर का भी यहाँ पर कॉलम बना ही लो। कि हम क्या कर रहे हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर के अर्निंग्स पर शेयर भी निकालते जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम और बना ले रहे हैं अर्निंग्स पर शेयर का। तो 1st ईयर में अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, 1st ईयर में अर्निंग्स पर शेयर, 1st ईयर में अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 1st ईयर का अर्निंग्स पर शेयर, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है पहले वाले पार्ट में, ये रहा देखो 24.9। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, 24.9 लिख दो। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, 24.9। अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 कितना रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 2। सेकंड वाले पार्ट में क्लियरली लिखा है कि अर्निंग्स जो है वो 15% किससे ग्रो कर रही है, अर्निंग्स जो है 15% किससे ग्रो कर रही है। तो 24.9 प्लस 15% करो कैलकुलेटर पे, 24.9 प्लस 15%, ओके 24.9 प्लस 15% कितना आ रहा है बताना। सेकेंड ईयर का अर्निंग्स पर शेयर 24.9 प्लस 15% कितना आ रहा है, ये आपका मेरे ख्याल से 28.635 आ रहा होगा, 28.635। ओके, नाउ 3rd ईयर का अर्निंग्स पर शेयर निकालो, 3rd ईयर का अर्निंग्स पर शेयर वो क्या रहेगा, 2nd ईयर का जो अर्निंग्स पर शेयर था उसमें 15% और ऐड कर दो, कितना आ रहा है, 32.93 आ रहा होगा, 32.93। देन 4th ईयर का अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, जो आपका 3rd ईयर का अर्निंग्स पर शेयर आया था उसमें और 15% ऐड कर देना, कितना आ रहा है, 37.870 आ रहा होगा, 37.870। एंड 5th ईयर का क्या होगा, और 15% ऐड कर दो,
कितना आ रहा है, 43.550 आ रहा होगा, 43.55। पहले साल में भूल के भी आपने डिविडेंड पर शेयर मत निकाल लेना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर जो है फर्स्ट ईयर का, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया पे आउट रेशियो से, ओके, जो आपका अर्निंग्स पर शेयर है फर्स्ट ईयर का 24.9, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 30% से और आपने डिविडेंड पर शेयर लिख दिया फर्स्ट ईयर का, आपका आंसर हो गया गलत। क्वेश्चन इसके लिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्लियरली लिखा है आरके लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 ईयर्स टाइम। तो पहले 2 साल तो कुछ भी डिविडेंड रहने ही नहीं वाला है, ओके। तीसरे साल से डिविडेंड निकालना चालू करो, क्या होगा, तीसरे साल का जो अर्निंग्स पर शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 30% से, ये पे आउट रेशियो कितना है 30% है, फटाफट से मल्टीप्लाई करना, 32.93 मल्टीप्लाइड बाय 30% कितना आ रहा है, 9.88 आ रहा है। अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 9.88 आ रहा है, 32.93 मल्टीप्लाइड बाय 30%, ठीक है। हाँ गौरव, 9.88 करेक्ट है, 11.36 आपने जो पहले बताया था उसमें कुछ मिस्टेक है, ओके 9.88 करेक्ट है। फोर्थ ईयर का डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, फोर्थ ईयर का डिविडेंड पर शेयर 37.87, ठीक है। ये देखो 37.87 को मल्टीप्लाई करो 30% से, 37.87 मल्टीप्लाइड बाय 30% कितना आ रहा है, 11.36 आ रहा है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपने फोर्थ ईयर का बता दिया था, ठीक है, 11.36 जो है डिविडेंड पर शेयर फोर्थ ईयर का है, ओके। एंड फिफ्थ ईयर का डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 30%, क्योंकि कितना आ रहा है, 13.07 आ रहा है, ठीक है, 13.07 आ रहा है, एकदम करेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है, लिखते जाना कितना कितना है, 0.847, 0.718, 0.609, 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 एंड 0.437, ठीक है। मैं ये वाले फिगर्स लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से मैं लिखते जा रहा हूँ कि इसमें टाइम पास नहीं करना है अभी। डिविडेंड पर शेयर को मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ में, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलते जाएगा। आप चेक करते जाना आपको सेम आ रहा है क्या, 0.0 10 6.02 6.02 5.86 और इसके बाद आपका आना चाहिए 5.71, ठीक है, 5.71। अब एडिशन कर लो, जो आपके फर्स्ट 5 ईयर के डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला है उसका एडिशन करना, कितना आ रहा है, 6.02 प्लस 5.86 प्लस 5.71, 6.02 प्लस 5.86 प्लस 5.71, ये आपका 17.59 आ रहा है, ठीक है, 17.59, 17.59, ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल रहे हैं एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल रहे हैं एट टाइम टी इक्वल्स टू 5, इसको आप टर्मिनल वैल्यू वैसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे देखना, मार्केट प्राइस पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5, अब उसके लिए आप डायरेक्टली जो डेटा दे रखा है ना क्वेश्चन में उसको इस्तेमाल कर लो। आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये वाली लाइन रीड करना, पी रेशियो ऑफ 10 फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ऑन एंडिंग पी रेशियो ऑफ 20 एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आर अप्रोप्रिएट। आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि फिफ्थ ईयर के एंड में पी रेशियो कितना रहेगा, फिफ्थ ईयर के एंड में पी रेशियो कितना रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। हमारा काम तो बहुत ही आसान हो गया, हमारा काम बहुत आसान हो गया फिफ्थ ईयर के एंड में मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का। यहां पर देखो पी रेशियो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हमें दे रखा है, पी रेशियो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हमें दे रखा है कितना है, 20 है। हमारे पास ऑलरेडी अर्निंग्स पर शेयर है कि हमारे पास ऑलरेडी अर्निंग्स पर शेयर है टाइम टी इक्वल्स टू 5 का, देखो यहां पर हमने निकाल रखा है कितना है, 43.55। अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 5 कितना है, 43.55। आप बताओ काम आसान हो गया कि नहीं, यहाँ पर इजीली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5, मार्केट प्राइस पर शेयर आप निकाल सकते हो एट टाइम टी इक्वल्स टू 5, जो कि कितना रहेगा, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20। अर्निंग्स पर शेयर जो होता है फिफ्थ ईयर का मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो जो है फिफ्थ ईयर के एंड में, वो
मल्टीप्लाई करो इसे, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ रहा है, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये आपका आना चाहिए 871, 871। ये मार्केट प्राइस पर शेयर आपका फिफ्थ ईयर के एंड में आया है, अब इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 5, दिस विल बी व्हाट, 871 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट कितना 18% है, तो 1.18 टू द पावर 5, एंड ऑलरेडी हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता है फिफ्थ ईयर का, उसे इस्तेमाल कर लो। सो 871 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 0.437, मल्टीप्लाई करो 871 मल्टीप्लाइड बाय 0.437 कितना आ रहा है, 871 मल्टीप्लाइड बाय 0.437 करेक्ट है 380.63। ओके अक्षय ने जो आंसर दिया करेक्ट है 380.63, आपका आंसर आ गया। सेकंड सेकंड वाले पार्ट में आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना था एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दैट विल बी व्हाट, इन दोनों का समेशन कर लो, इन दोनों का एडिशन कर लो, 17.59 प्लस 380.63 कितना हो जाएगा 398.22 क्लियर। ओके यहां पर अगर वो आपको सेकंड वाले पार्ट में भी कमेंट करने को बोलता था, अगर वो आपको सेकंड वाले पार्ट में भी कमेंट करने को बोलता था कि हमने आरके लिमिटेड के शेयर को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, अब आपका आंसर क्या रहेगा, अगर आप एक साल का फोरकास्ट ना लेते हुए क्या कर रहे हो, आप पूरा की पूरा जो फोरकास्ट दे रखा था आपको, जितना भी इन्फॉर्मेशन दे रखा था क्वेश्चन, उसको अगर आप पूरा की पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से शेयर का प्राइस कितना रहना चाहिए आज की तारीख में, उस हिसाब से शेयर का प्राइस रहना चाहिए आज की तारीख में 398.22, बट एक्चुअल में शेयर का प्राइस है कितना 285 है, तो शेयर्स क्या हो गए अंडर प्राइस हो गए, और अब हम क्या कमेंट करेंगे, वो बंदे ने क्या करना चाहिए, शेयर्स खरीदना चाहिए, एकदम करेक्ट। ओके ये सब क्वेश्चन 8 मार्क 10 मार्क वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तभी आप क्या करो, स्टेप्स बनाते जाओ कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जहां पर भी आपको फिगर्स दिखी, कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा, उसको हाईलाइट करते जाना, और जो भी मिसिंग फिगर्स है उसे निकालते जाना। जैसे यहाँ पर तीनों डिवीजन का सेल्स निकाल लिया, तीनों डिवीजन का नेट इनकम निकाल लिया, उससे ओवरऑल नेट इनकम कंपनी का निकाल लिया, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग से, क्या आ गया अर्निंग्स पर शेयर आ गया। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वैसे। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम देखो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है 47 तो होमवर्क में था, वो बना लिया है आप लोगों ने, तो 48 एक बार देखो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट से रीड करना, क्वेश्चन नंबर 48 को सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर अ फर्म विच इज प्रेजेंट इन 3 इंडस्ट्रीज एक्स वाई एंड जेड, द फर्म हैज 20 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, ये 3 इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट है एक्स वाई जेड में। यहाँ पर भी आपको देखो कुछ सिमिलर टाइप का डेटा दे रखा है, इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो आपको दिया है 5000 करोड़, 10000 करोड़ एंड 20000 करोड़। अब वो इंडस्ट्री का जो सेल्स है उसमें मार्केट का, मतलब वो जो फर्म है उसका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है, ये जो फर्म है ना ये क्या कर रही है, 3 इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, पहले इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो उन्होंने दे दिया, इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो उन्होंने दे दिया, और बाद में सेकेंड वाली रो में उन्होंने क्या बताया कि जो फर्म है उसका जो मार्केट शेयर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो उसका मार्केट शेयर है वो दे रखा है, कितना कितना है, 20% है, 10% है और कितना है, 15% है, ठीक है। बाद में नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है फर्म का, कितना है, 18% है, 15% है और 25% है। फिर आपको देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया कितना है, 16.24%। फिर वो पूछ रहा है आपको कि कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द फर्म हैज 100% पे आउट रेशियो, फटाफट से करना, ठीक है। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट आसान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, 100% पे आउट रेशियो, 100% पे आउट रेशियो होने का मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा 100% पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब हो रहा है कंपनी जितना भी कमा रही है इतना की उतना पूरा की पूरा बांट दे रही है शेयर होल्डर्स में, जितना कमाया अगर वो पूरा की पूरा ही बांट दिया शेयर होल्डर्स में तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया जीरो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया जीरो, तो ग्रोथ रेट कितना रहेगा जीरो। यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है के शेयर का इफ द फर्म हैज 100% पे आउट रेशियो। यहाँ पर आप क्या करोगे नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट करना ही है, फास्ट करो, एकदम करेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने जो आंसर्स दिए एकदम करेक्ट है। एक बार फाइनल आंसर बता दो फटाफट से। ठीक है, इसको आप रफ में करोगे तो भी चलेगा क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से कर लोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आप क्या करो, पहले इंडस्ट्री एक्स, इंडस्ट्री वाई और इंडस्ट्री जेड, थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं रफ टाइप में कर रहा हूँ। इंडस्ट्री एक्स इंडस्ट्री वाई और इंडस्ट्री जेड, इन तीनों इंडस्ट्री के आपको प्रोजेक्टेड सेल्स दे रखे हैं, इन तीनों इंडस्ट्री के आपको प्रोजेक्टेड सेल्स दे रखे और फर्म का मार्केट शेयर कितना कितना इन तीनों इंडस्ट्रीज में वो भी आपको दे रखा है। ओके, मल्टीप्लाई करो और फटाफट से बताना कितना सेल्स आ रहा है। ठीक है, कितना सेल्स आ रहा है। ठीक है, ये जो फर्म है वो तीन इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है ना, इंडस्ट्री एक्स में जहाँ पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, फर्म जब इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट कर रही है, फर्म इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट कर रही है, वहाँ से कितना सेल्स जनरेट कर रही है, फर्म जो है इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट करके कितना सेल्स जनरेट कर पा रही है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो फर्म इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट करके इतना सेल्स जनरेट कर पा रही है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन से, तो क्या होगा, नेट इनकम निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 18% मल्टीप्लाइड बाई 18% करते जाना, बताओ कितना आ रहा है। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 18%, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20% कितना होगा 1000 आ जाएगा, और 1000 मल्टीप्लाइड बाई 18% कितना होगा 180 आएगा। ठीक है, सिमिलरली इंडस्ट्री वाई और इंडस्ट्री जेड किसके लिए बता दो, फर्म जब इंडस्ट्री वाई में ऑपरेट कर रही है तो उससे कितना सेल जनरेट होगा, फर्म इंडस्ट्री वाई में ऑपरेट करके कितना सेल जनरेट कर पाएगी 15000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10% 15000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10% और यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया है 15% मल्टीप्लाई कर दो 15% से, फटाफट से बताना कितना आ रहा है। 15000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो 15000 मल्टीप्लाइड बाई 10% कितना होगा 1500 होगा, और 1500 मल्टीप्लाइड बाई 15% कितना होगा 1500 मल्टीप्लाइड बाई 15% कर लो कितना आ रहा है 225 आ रहा है, 225। और Z के लिए भी कर लेना, कितना होगा 20000 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 25% 20000 मल्टीप्लाइड बाई कितना था, इंडस्ट्री Z में जो है फर्म का मार्केट शेयर कितना है 15% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25%, तो 20000 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 25%, फटाफट से करना इसे, तो 20000 मल्टीप्लाइड बाई 15% कितना होगा 3000 होगा, और 3000 मल्टीप्लाइड बाई 25% कितना होगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये आपका 750 आना चाहिए, 750 आना चाहिए। ओके, ये हमने नेट इनकम निकाल दिया, ये हमने नेट इनकम बोल दो नेट प्रॉफिट बोल दो ये हमने निकाल लिया है। ओवरऑल नेट इनकम कितना रहेगा कंपनी का, ओवरऑल नेट इनकम ऑफ फर्म कितना रहेगा 180 प्लस 225 प्लस 750, ऐड करना और बताओ क्या आ रहा है 180 प्लस 225 प्लस 750, ये आपका आना चाहिए 1155 करोड़। ये सब काम हमारा करोड़ में हो रहा है अभी, ओके 1155 करोड़। आपको क्वेश्चन में मेरे ख्याल से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखे है क्या, चेक करना, हाँ दिया है 20 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है। तो आप क्या निकालोगे, अब अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो एट टाइम टी इक्वल्स टू वन का, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, दिस विल बी व्हाट, जो कंपनी का ओवरऑल नेट इनकम आया है फर्स्ट ईयर के एंड में, कंपनी का जो ओवरऑल नेट इनकम आया है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, 1155 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 करोड़, 1155
1155 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है देखना, 1155 डिवाइडेड बाय 20 ये 57.75 आ रहा होगा, 57.75 आ रहा होगा। तो अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है, 57.75। अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं कि डिविडेंड पर शेयर भी बता दो आप, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 तो कितना रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, तो डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर के बराबर ही रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 के बराबर ही रहेगा, यानी कितना 57.75। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो जब आपका 100% होता है इसका मतलब क्या, नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, तो फटाफट से बताना यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, ओके, एंड नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, फॉर्मूला क्या रहेगा, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, हर बार क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, आपका डिविडेंड पर शेयर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, हर साल क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, D1 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका K, D1 डिवाइडेड बाय K, D1 की जगह लिखेंगे 57.75, और आपको जो है दे रखा होगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वैसा आपको दिया होगा कितना है, 16.24%। ठीक है, 16.24% 57.75 डिवाइडेड बाय 16.24%, यहाँ पर आपको अगर के ई की जगह आर ई लिखना है तो भी चल जाएगा। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, 57.75 डिवाइडेड बाय 16.24%, 355.60 आ रहा है सभी का, 355.60। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 48 में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, हमने एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर दिया वैसे तो। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकेंड पार्ट देखो, द फर्म फॉलोज अ कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो ऑफ 70%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको दे रखा है कितना है, 20% है, फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, कर लो। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो है, ये कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो 70% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितना दिया, 20%। यहाँ पर आप क्या करोगे, ग्रोथ रेट निकालोगे, फटाफट से बताना ग्रोथ रेट कितना आ रहा है, ग्रोथ रेट कितना आ रहा है सेकेंड वाले पार्ट में, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू व्हाट, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर पे आउट रेशियो 70% है तो रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा, 30% रहेगा, यानी कितना हो गया, 0.3, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया, 20%, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, हमारा ग्रोथ रेट आ गया 6% का। ठीक है, अभी आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ डिविडेंड पर शेयर अब कितना रहेगा एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, सेकेंड वाले पार्ट में आपका डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, जो आपका अर्निंग्स पर शेयर है, जो आपका अर्निंग्स पर शेयर है एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो, यहाँ पर थोड़ी ना पे आउट रेशियो पूरा 100% है, अब पे आउट रेशियो कितना है, 70% है, आपका अर्निंग्स पर शेयर कितना आया था, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना आया था, 57.75, और अब सेकंड वाले पार्ट में आपका पे आउट रेशियो कितना है, 70% है, निकाल लो 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70% कितना आ रहा है, करते जाओ कैलकुलेटर पे, 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70% 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70% ये आपका 40.43 आ रहा होगा, अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 40.43 आ रहा होगा डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का, यहाँ पर क्या है आपका ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, हर साल कितना रहेगा, 6% का ही रहेगा, ग्रोथ रेट क्या आपका 6% का ही रहेगा, बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 अब क्या रहने वाला है आपका, D1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, ओके, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, फटाफट से वैल्यू पुट करना, 40.43 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 16.24% एंड ग्रोथ रेट कितना है, 9% है, करो और बताओ क्या आ रही है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 40.43 डिवाइडेड बाय 16.24% माइनस 9% क्या होगा, 7.24% डिवाइड कर दो 7.24% से, ये आपका 558.43 आ रहा होगा, चेक करना 558.43
कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ, ग्रोथ रेट जो है 6% है, ग्रोथ रेट जो है 6% है, 9% पिछले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर 6% है, 9% नहीं है, वो 9% तो पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो इसको करेक्ट कर लो और अब निकाल लो और अब बताओ आंसर क्या आएगा। 40.43 होल डिवाइडेड बाय 16.24% माइनस 6%, तो 40.43 को आप डिवाइड करो, 40.43 को आप डिवाइड करो 10.24% से, 10.24% से कितना आ रहा है? 394.82, 394.82। तो ये हमने दोनों पार्ट के आंसर निकाल दिए, एकदम करेक्ट, ठीक है, 394.82। समझ में आ गया? सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 48 जो है सिमिलर टाइप का ही था क्वेश्चन नंबर 3 के से, और पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी। ओके, अभी देखना हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा हटके अलग क्वेश्चन करेंगे, अभी देखना। अभी एक बार देखो, पहले हम जो कर रहे हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बट अभी हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बार एग्जाम में टेस्ट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में टेस्ट करते हैं और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, रीड करना क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको रीड करो। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना है? 9% है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज व्हाट? 13%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द डिविडेंड ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड इज व्हाट? 7%, ठीक है। तो यहां पर आपको जो जो डेटा दे रखा है उसको आप लिखते जाओ भलाई से। आपको आरएफ दिया है कितना है? 9%। आपको आरएम दिया है कितना है? 13%। और आपको जी दिया है कितना? 7%। आगे देखो, लास्ट डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी स्टॉक ऑफ फर्म ए वाज ₹2, ये आपको D0 दिया है, ठीक है। D0 कितना है? ₹2। द बीटा ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड इक्विटी स्टॉक इज 1.2, आपको बीटा भी दे रखा है जो कि कितना है? 1.2। इन्फॉर्मेशन देख के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पर CAPM यूज में लेना पड़ेगा। आपको RF भी दिया है, RM भी दिया है और बीटा भी दिया है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CAPM यूज में लेंगे। ओके, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल जो है हम यूज में लेने वाले हैं। पहले देख तो लेते क्या क्या निकालना है वैसे। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इक्विटी स्टॉक ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है इक्विटी स्टॉक का, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग का रेट तो लगेगा ही, और वो क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, और वो कहाँ से आएगा? CAPM से आएगा। तो निकाल ही लो फटाफट से जो है CAPM निकाल लो। CAPM के से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, ठीक है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल लगा के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, क्या रहेगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्या करोगे आप? RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। RE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ये आपका कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल होता है, ये सभी को पता ही होगा ये चीज। यहाँ पर फटाफट से फिगर्स पुट करना। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 9%, RM दिया है 13% और बीटा दिया है 1.2। तो 9 + 13 - 9 × 1.2, 9 + 13 - 9 कितना होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना होगा? 4.8। 9 + 4.8 जो कि कितना हो गया? 13.8%, ठीक है। हमारा डिस्काउंटिंग रेट देखो निकल के आ गया, डिस्काउंटिंग रेट कितना आ गया? 13.8%। अब आपको पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इक्विटी स्टॉक ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड। हम क्या मानेंगे कि ग्रोथ रेट क्या है? कॉन्स्टेंट है, कुछ भी बोला नहीं तो यही मानना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट क्या है? कॉन्स्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला इसमें लेना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या करेंगे? यूज में लेंगे। देखो पहले पार्ट का आंसर, पहले पार्ट का आंसर, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, दिस विल बी व्हाट? टी1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी,
हमारे पास आरई है कितना 13.8%, ग्रोथ रेट भी क्वेश्चन में दे रखा था, ग्रोथ रेट भी कितना है 7%। हमारे पास जो चीज नहीं है वो है D1, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1। कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन में D0 दे रखा है, आपको क्वेश्चन में D0 दे रखा है कितना है 2 है, और साथ में आपको ग्रोथ रेट भी दे रखा है कितना है 7% है। तो हम कैसे यहाँ पर D1 निकालेंगे बताना, D1 कैसे निकालोगे? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ओके, जो आपको D0 दिया था 2 रुपए का, उसमें 7% बढ़ा दो तो क्या होगा, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, फटाफट से कर लो अभी से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पर 7% है, डेसिमल में लिख देना 0.07, डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13.8% माइनस ग्रोथ रेट कितना है 7%, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 2.14, न्यूमरेटर में आपका 2.14 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 13.8% माइनस 7% विच इज वॉट 6.8%। फटाफट से डिवाइड करना और बताओ क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2.14 डिवाइडेड बाय 6.8%, 31.47। चेक करो सभी, 31.47 आ रहा है क्या? ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम टी इक्वल टू 0 कितना आ गया 31.47, ये आपका आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाला पार्ट उसको एकदम ध्यान से रीड करना, सेकंड वाले पार्ट को एकदम ध्यान से रीड करो। हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%? फटाफट से बताओ, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%। यहां पर आप ऐसा मानो कि आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या होगा 2% से बढ़ गया, आपका जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या हो गया 2% से बढ़ गया। ठीक है, ये इन्फ्लेशन प्रीमियम है, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं बोल रहे कि आरएम माइनस आरएफ का वैल्यू 2% से बढ़ गया, ये नहीं बोला। ठीक है, ध्यान से देखो, इन्होंने यहां पर बोला इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेस बाय 2%, यहां पर किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि आरएम माइनस आरएफ जो है वो आपका 2% से बढ़ रहा है। आरएम माइनस आरएफ क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। ठीक है, इन्होंने जो लिख के दिया है वो क्या है, इन्फ्लेशन प्रीमियम है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी 2% से बढ़ रहा है और आपका जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या हो रहा है 2% से बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा ट्रिकी है वो। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें भी जो सब क्वेश्चन ए है वैसा, ठीक है, उसमें आप देखो क्या करो, आर एफ जो है नया वाला निकाल लो, नया वाला आर एफ क्या रहेगा, पुराने वाला जो है उसमें 2 और बढ़ा दो, 9 + 2 कितना हो गया 11%। नया वाला आर एम भी निकाल लो, नया वाला पुराने वाला आर एम कितना था, पुराने वाला आर एम था 13, उसमें 2 और ऐड कर दो, 13 + 2 कितना हो गया 15%। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बाकी सब चीज़ें आपकी वैसी की वैसी रहेगी। बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, नया वाला आर ई निकालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको नया वाला निकालना पड़ेगा। इसलिए तो हम सी ए पी एम यूज़ करेंगे, आर ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। फटाफट से वैल्यूज पुट करो, आर एफ की जगह हम पुट करेंगे 11 प्लस आर एम माइनस आर एफ क्या होगा 15 - 11 मल्टीप्लाइड बीटा वही रहने वाला है। ठीक है, बीटा में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बीटा वो की वही रहेगा 1.2। 11 प्लस 15 - 11 कितना होगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना होगा 4.8। आपका देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 15.8%। अगर यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्या कर सकते थे डायरेक्टली, आपका जो पहले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आया था, 13.8%, उसमें आप डायरेक्टली 2 बढ़ा दो, इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ाना, तो आप क्या करो डायरेक्टली इसमें ही 2% बढ़ा दो, तो 13.8 + 2 कितना होगा 15.8%। फिर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, बट वही मैंने आप डायरेक्टली लिखता था तो हो सकता था इसको डाउट जाए, इसके लिए मैंने पूरा आपको लिख के बता दिया, बट एग्जाम में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यहाँ पर अब आपका नया वाला जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ने के बाद वो क्या रहेगा 13.8 + 2 यानी कितना 15.8%। ओके, बाद में वही कॉन्स्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज में लो और देखो अब आपका क्या आ रहा है, अब आपका शेयर प्राइस क्या आ रहा है, तो P0 इज इक्वल्स टू
डी वन डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, कि हमने ऑलरेडी देखो डिविडेंड पर शेयर निकाल रखा है एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, कितना आया था डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू वन, कितना आया था 2.14 आया था, ठीक है 2.14 आया था, तो लिख दो सीधा 2.14। अब आपका जो नया वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 15.8% है, माइनस ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 7% का 7% ही रहेगा। 2.14 डिवाइडेड बाय 15.8% माइनस 7%, करते जाओ ये कैलकुलेटर पे करते जाना फटाफट से, 2.14 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये आपका 8.8% आ रहा है, 24.32 आ रहा है, ओके रुपीज 24.32 पर शेयर। अब जो सब पार्ट बी है उसको भी निपटा दो, क्या बोला इसमें, अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बढ़ गया 3% से, ठीक है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बढ़ गया 3% से, तो पहले क्या था ग्रोथ रेट 7% था, अब कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, 7+3 कितना हो जाएगा 10%, कर लो फटाफट से। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अभी भी क्या रहेगा, जो पहले था इतना ही रहने वाला है, पहले कितना था 13.8%, 13.8%, अब सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, ग्रोथ रेट में आ रहा है, सिर्फ ग्रोथ रेट में चेंज आ रहा है, बाकी सब चीजें जो पहले वाले पार्ट में थी वैसी की वैसी। यहां पर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13.8%, ओके ग्रोथ रेट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 7+3 यानी कितना हो जाएगा 10%। डी वन भी आपका क्या रहेगा, सेम, जो डी वन सेम नहीं रहेगा, ओके डी वन आपका अब सेम नहीं रहेगा, डी वन कितना हो जाएगा डी जीरो मल्टीप्लाइड बाय 1+G, ग्रोथ रेट चेंज हो गया ना तो डी वन भी चेंज हो ही जाएगा, क्या रहेगा 2 × 1+0.1 जो कि कितना आ रहा है 2.2 आ रहा है, ठीक है। अब जो आपका सब पार्ट भी है उसमें बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आ रहा है शेयर का एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, फॉर्मूला वही यूज में लेना पड़ेगा, डी वन डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, डी वन की जगह 2.2, आर ई की जगह 13.8% ही, ठीक है एंड ग्रोथ रेट की जगह 10%, फटाफट से बताओ क्या आ रहा है आंसर, 2.2 डिवाइडेड बाय 13.8% माइनस 10%, कर लो कैलकुलेटर पे, 2.2 डिवाइडेड बाय 0.8%, ये आपका 57.89 आ रहा होगा, 57.89, ठीक है। अब जो लास्ट वाला सब पार्ट है, सब पार्ट सी का भी आंसर निकाल लो। अब बीटा चेंज हो रहा है, ठीक है बीटा ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड इक्विटी राइजेस टू 1.3, पहले बीटा कितना था 1.2 था, अब बीटा कितना हो गया 1.3 हो गया, ठीक है 1.2 से बढ़ के कितना हो गया 1.3 हो गया। बीटा चेंज होने की वजह से क्या चीज चेंज होगी बताओ, बीटा चेंज होने की वजह से क्या चीज चेंज हो जाएगी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है यहां पर देखना आपका आरएफ जो है वही रहेगा, जो पुराना था ना फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था वही रहने वाला है, अभी भी आरएफ 9 ही रहेगा। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होगा, जो पहले था वही रहने वाला है, ठीक है 13%। बीटा क्या होगा, पहले 1.2 था अब कितना हो जाएगा 1.3, और इस वजह से आपका जो है क्या होगा आर ई चेंज हो जाएगा, आर ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा, कितने जाना 9+13-9 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, 9+13-9 कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 कितना होगा 5.2। अब आपका नया वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 9+5.2 यानी कितना हो गया 14.2%। डी वन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ग्रोथ रेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है यहाँ पर आपका डी वन जो है वो क्या रहेगा, जो आपका फर्स्ट वाले पार्ट में डी वन था ना इतना ही, जो आपका फर्स्ट वाले पार्ट में डी वन था ना 2.14 इतना ही, और ग्रोथ रेट भी कितना रहेगा, जो आपका पहले 7% था ना वही, ओके उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर बीटा में चेंज आया, और बीटा में चेंज आने की वजह से आर ही चेंज हो गया, तो डी वन तो 2.14 ही रहेगा और ग्रोथ रेट भी कितना 7% ही रहेगा। अब सब पार्ट सी में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है शेयर का एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, डी वन डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, डी वन की जगह 2.14, आर ई की जगह 14.2% और जी की जगह 7%, करो कैलकुलेटर पर बताओ कितना आ रहा है, 2.14 डिवाइडेड बाय 7.2% कितना हो जाएगा 29.72, 29.72 पर शेयर, ये आपका
सब पार्ट सी जो है उसका भी आंसर आ गया। ओके यहां पर देखो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बनता है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और बनता है। उसमें आप क्या कर सकते हो कि तीनों चीजों को साइमल्टेनियसली चेंज करो, ठीक है, इन तीनों चीजों को आप क्या करो साइमल्टेनियसली चेंज करो और फिर जो है क्या करो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है शेयर का निकाल के बता दो एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने क्या करा एक एक चीज को एक एक बार में लेते गए थे, बट एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और दे रखा है आईसीए ने, उसमें उन्होंने क्या करा है ये तीनों फैक्टर्स को तीनों चीजों को क्या करा साइमल्टेनियसली चेंज किया, ठीक है, साथ में चेंज किया और फिर क्या करा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी रहेगा वो निकाल दिया, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर जो एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 रहेगा वो भी निकाल लिया और ग्रोथ रेट भी जो रहेगा वो भी निकाल लिया और उसको यूज में लिया और फिर क्या करा इक्विलिब्रियम शेयर प्राइस निकाला एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। अलग अलग ना लेते हुए आप क्या कर सकते हो तीनों चीजों को साथ में जो है साइमल्टेनियसली चेंज करके भी आंसर निकाल के आ सकते हो, ठीक है, आईसीए ने भी अपने अल्टरनेटिव सोल्यूशन में चीज दे रखी है। ओके फटाफट से बताना ये चीज समझ में आ गई सभी को, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो, क्लियर है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं ये ठीक है। अब देखो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है, रीड करना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो रीड करना स्टार्ट करो। ट्वेंटी एट वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में टेस्ट किए थे, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से दो या तीन अटेम्प्ट पहले जो ये वाला क्वेश्चन टेस्ट किया गया था, पहले ये आरटीपी में आया था, उसके बाद जो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी टेस्ट कर चुके हैं, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन टेस्ट किया जा चुका है और इसका आंसर ओरली निकाल सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। शिवानी कह रही है कि कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो ना आप शिवानी, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको दोनों अल्टरनेटिव लिख के आने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, आप कोई भी एक अल्टरनेटिव से आंसर लिख के आ जाना। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक इससे आपको सॉल्यूशन बता दिया और दूसरे वाले इससे जो है मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वैसे करके आना है, ठीक है, वैसे भी आप करके आ सकते हो, मतलब आपको जो दोनों सॉल्यूशन प्रेजेंट करके आने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, दोनों सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट करके आने की जरूरत नहीं होती। ओके क्लियर, और जहां पर भी आपको लगता है ना कि कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ इंटरप्रिटेशन अलग निकल सकता है, वहां पर आप अपना अजम्पशन स्टेट कर दिया करो, ठीक है, सबसे बेस्ट चीज होती है कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन दो निकल सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आईसीए ने दिया है इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे, ठीक है, और दोनों इंटरप्रिटेशन लेके क्या होगा आंसर्स अलग अलग आएंगे, आपने क्या करना दोनों आंसर लिख के आने की जरूरत नहीं होती, वो तो आपके पास टाइम रहा तो आप लिख के आ जाओ, बट इतना टाइम रहता ही नहीं है, क्या करोगे आप, आपने जो इंटरप्रिटेशन लगाया है उसको आपने क्या करना है अजम्पशन में स्टेट कर देना है कि हमने तो क्वेश्चन को ऐसा समझा है और इस वजह से हमारा सॉल्यूशन ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट चीज होती है अपना अजम्पशन जो है क्लियर वर्डिंग्स में स्टेट करके आ जाना, समझ में आ रही, और ये चीज होता है बहुत बार, ठीक है, आपका जो AFM का पेपर रहता है उसमें एक ना एक क्वेश्चन रहता है जिसमें इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग निकल सकते हैं, ठीक है, आप देखो May 23 का पेपर उठा के देख लो, November 23 का देख लो, May 24 का पेपर देख लो, हर इसमें क्या हो रहा है आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें इंटरप्रिटेशन की क्या होती है अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, वहां पर आपने क्या करना अपना अजम्पशन जो है स्टेट करके आ जाना। ओके ठीक है चलो, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो इसको फटाफट से रीड करना चालू करो, क्वेश्चन नंबर 28, सन लिमिटेड रिसेंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹200 crores and paid out 80 crores, slightly higher than the average paid in the industry to which it pertains. तो कुछ मतलब नहीं है वैसे, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट होगी, प्रॉफिट कितना है 200 करोड़ का है और उसमें से कितना बांट दिया गया है 80 करोड़, तो आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो पे आउट रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, आगे देखना, द एवरेज पी रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 9, एस्टिमेटेड बीटा जो है ऑफ सन लिमिटेड दे रखा है 1.2, एज पर बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड द शेयर होल्डर्स फंड इस 450 crores, ठीक है, आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है कितना है 450 crores और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 10 crores, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 10 crores,
इन केस द कंपनी इज लिक्विडेटेड बिल्डिंग वुड फैच रुपीज 200 करोर्स मोर देन द बुक वैल्यू एंड स्टॉक वुड रियलाइज रुपीज 50 करोर्स लेस। अगर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, बिल्डिंग जितने की दिख रही है बुक्स में उससे 200 करोड़ ज्यादा आएंगे और स्टॉक जितने के दिख रहे हैं बुक्स में उससे 50 करोड़ कम आएंगे। ठीक है, आगे द अदर डेटा फॉर द इंडस्ट्री इज एज फॉलोज। प्रोजेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ कितना दिया है 4%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया 6%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया 11%। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग पीई रेशियो, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तीसरा पार्ट यूजिंग बुक वैल्यू, चौथा पार्ट यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू। करो फटाफट से, क्या आएगा बताओ आंसर, पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान चीज है। आपको यहां पर देखो प्रॉफिट दे रखा है, पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना है 200 करोड़ है। साथ में आपको एक और चीज दे रखी है, साथ में आपको एक और चीज दे रखी है। और यहां पर देखो उसने वैल्यूएशन पूछा है पूरी कंपनी का, एक शेयर का नहीं पूछा है, पूरी कंपनी का वैल्यूएशन पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली देखो पी रेशो का जो एक आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। पी रेशो का आपका जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इसमें यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, ठीक है, न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, हमारा पी रेशो का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी रेशो का नया वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, उस कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात समझ में आ गई, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय, जब आप अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो क्या होगा, पैट निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। यहां पर हम देखो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं कि पी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल दो आप या फिर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बोल दो वैसा, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बताओ क्या आएगा आंसर। डायरेक्टली बोल सकते हो पी रेशियो कितना है, पी रेशियो 9 है, मार्केट कैप हमें निकालना है, उस कंपनी का वैल्यूएशन हमें निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है कितना है 200 करोड़। तो बताओ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कितना आ जा रहा है, यहाँ पर वो जो कंपनी है सन लिमिटेड उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कितना 1800 करोड़। समझ में आ गया सभी को, 1800 करोड़, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग पी रेशियो कितना हो गया 1800 करोड़। ओके, ये चीज अभी हमने कर ली, एक सेकेंड, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर निकालना, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर, सेकेंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, आपको वैल्यूएशन निकालना है सन लिमिटेड का यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, फटाफट से करो। ओके, D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस जी, इससे क्या होगा आपका एक शेयर का प्राइस निकल के आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो क्या होगा पूरी कंपनी का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल ले रहे हैं एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो क्या होगा पूरी कंपनी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो P0 इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 डिवाइडेड बाय RE माइनस। अब D1 भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं है, RE भी आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, ग्रोथ रेट तो दे रखा है क्या, हाँ ग्रोथ रेट दे रखा है, ग्रोथ रेट कितना है 4%। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा और RE निकालना पड़ेगा। पहले आपको अक्षय को एक डाउट है, एक सेकेंड, हाँ अक्षय आप जो कह रहे हो कि वो तो इंडस्ट्री का पी रेशो दिया था, ठीक है, इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशो दिया था, तो वही कंपनी का मानना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है, क्योंकि कोई भी अल्टरनेटिव यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा ना, तो उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर उन्होंने जो दिया था ना कि एवरेज पी रेशो जो इंडस्ट्री का वो 9 है, हम ऐसा मान रहे हैं जो कंपनी है सन लिमिटेड,
ठीक है, उसका पी रेशो भी क्या है, 9 है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो आप, पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय पेट। अभी मैंने बताया ना आपको, अभी तो बताया, देखो ये फॉर्मूला तो पता है आपको शिवानी, ये फॉर्मूला पता है, पी रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, पी रेशियो तो यही होता है। ओके, अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से। ओके, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से न्यूमरेटर में, और साथ ही में मैं डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। कुछ फर्क पड़ेगा क्या उससे, मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया उस चीज़ से और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, बट ये मल्टीप्लाई करने से देखो फायदा क्या हो जा रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या होगा बताओ शिवानी, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग करने से क्या होगा, अगर मैं एक शेयर का जो प्राइस है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करते रहूँ जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी के उससे, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। और वैसे ही जब अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, अर्निंग्स पर शेयर को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, मुझे क्या मिल जाएगा, उस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, यहाँ से ही हमारा फॉर्मूला आ रहा है, पी रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप नॉर्मल कर लो ना, आप नॉर्मल कर लो, आप क्या करो पहले एक शेयर का प्राइस निकाल लो, पी रेशियो यूज करके आप क्या करो एक शेयर का प्राइस निकाल लो, पी रेशियो जो है ना उसे यूज करके आप क्या करो एक शेयर का प्राइस निकाल लो। एक शेयर का प्राइस क्या रहेगा बताओ, एक शेयर का प्राइस, उसके लिए पहले आपको अर्निंग्स पर शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको डाउट आया इसके लिए देखो मैं ये बता दे रहा हूँ फिर से, क्या करो पहले आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो, अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा बताना, यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं, देखो अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज वॉट 200 करोड़, ठीक था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, मुझे क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर मिल जाएगा। तो 200/10 कितना हो गया, 200/10 कितना हो गया, 20। ठीक है, 200/10 हो गया 20। हमारे पास पी रेशो है, ये पी रेशो कितना है, 9। हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर भी कितना है, 20। आप बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर 20 × 9 जो कि कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो गया, 180 आ रहा है। तब अगर मुझे पूरे कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए, मुझे अगर पूरे कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस पर शेयर आया है 180, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है 10, तो 180 × 10 कितना हो गया, 1800 करोड़। ठीक है, आप ऐसा भी लिख के आओगे आंसर तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, आप ये भी आंसर लिख के आओगे ना तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क डिडक्ट थोड़ी ना होगा आपका, इसके लिए भी क्या होगा, आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। आप ये अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऐसा भी लिख के आ जाओ, ठीक है, ये भी आप लिख के आओगे तो भी क्या होगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो कुछ भी गलत नहीं है। अब देखो हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट है ना उसका हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, वैल्यूएशन निकालना है कंपनी का यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। जैसा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, D1/RE-G। हमारे पास तो सिर्फ ग्रोथ रेट अवेलेबल है डायरेक्टली, RE और जो D1 है वो हमारे पास नहीं है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, को फटाफट से RE निकाल लेते। RE क्या होगा, RF + RM - RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। क्वेश्चन में आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कितना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, 6% एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 11%। वैल्यूज पुट करते जाना, तो 6 + 11 - 6 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, भी आपको क्वेश्चन में दिया था, बीटा भी क्वेश्चन में दिया था ना, हाँ ये रहा 1.2,
बीटा भी कितना है 1.2, तो 6 प्लस 11 माइनस 6 कितना होगा 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना होगा 6, 6 प्लस 6 कितना होगा 12%। हमने आर ई निकाल लिया जो कि कितना आ रहा है 12% आ रहा है। अब एक बार फटाफट से डी1 निकाल लेते हैं। डी1 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, डी1 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 200 करोड़ का, ये क्या है आज की तारीख का है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या है 200 करोड़ का, और कंपनी ने उसमें से क्या करा 80 करोड़ तो क्या करा बांट दिया शेयर होल्डर्स में, ठीक है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स कितना है 80 करोड़, ये टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, 80 करोड़ क्या हो जाएगा टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए, अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, मैं क्या करूंगा जो टोटल डिविडेंड कंपनी ने बांटा है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। 80 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 10 करोड़, 80 अपॉन 10 कितना हो गया 8, 80 अपॉन 10 कितना हो गया 8, तो डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू जीरो कितना हो गया 8। अब अगर मुझे D1 चाहिए कि डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया था, एक सेकंड, ग्रोथ रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है, ग्रोथ रेट कितना है 4%, ग्रोथ रेट कितना है 4%, 8 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 कितना आ रहा है बताना 8.32, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 कितना होगा 8.32। अब आपके पास सभी फिगर्स है, फटाफट से वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। तो पहले एक शेयर का प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है, एक शेयर का जो प्राइस है ना वो निकाल लेते हैं। तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन RE माइनस G, D1 की जगह 8.32, RE की जगह 12% और ग्रोथ रेट कितना है 4%, कर लो फटाफट से डिवाइड, फटाफट से डिवाइड करना 8.32 डिवाइडेड बाय 8% कितना आ रहा है 104 आ रहा है, ओके 104 आ रहा है। एक शेयर का प्राइस 104 है, ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से एक शेयर का प्राइस कितना है 104 है। अब अगर मुझे पूरी कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए, ये पूरी कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या करना रहेगा, एक शेयर का जो प्राइस है वो ओके मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मार्केट प्राइस पर शेयर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से कितना है 104 है एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 10 करोड़ है, सो 104 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 1040 करोड़। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब देखना थर्ड पार्ट का आंसर आप डायरेक्टली यहाँ की यहाँ लिख सकते हो, थर्ड पार्ट का आंसर आप डायरेक्टली यहाँ की यहाँ लिख पाओगे। बताओ क्या रहेगा, बुक वैल्यू, आपको वैल्यूएशन चाहिए सन लिमिटेड का यूजिंग बुक वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू, उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है, पूछा क्यों समझा नहीं, बताओ फटाफट से क्या रहेगा आंसर थर्ड पार्ट का, वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग बुक वैल्यू। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एज पर बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड द शेयर होल्डर्स फंड इज व्हाट 450 करोड़, तो यहां पर सन लिमिटेड का वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से कितना रहेगा 450 करोड़, डायरेक्टली आंसर लिख दिए 450 करोड़। क्वेश्चन में आपको ये रखा है ना, बैलेंस शीट जो है सन लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से शेयर होल्डर्स फंड कितना है 450 करोड़ है, यहाँ पर बुक वैल्यू कितना, सन लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है, सन लिमिटेड का वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से कितना रहेगा 450 करोड़ का रहने वाला है, 450 करोड़ जो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड दिख रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, आप आंसर लिख दोगे तो जो कि कितना है 450 करोड़, ओके। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला आंसर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे कितना रहेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से सन लिमिटेड का वैल्यूएशन कितना रहेगा, बुक वैल्यू के हिसाब से कितना है, बुक वैल्यू के हिसाब से 450 करोड़ है, बुक वैल्यू के हिसाब से 450 करोड़ है। बट अब क्वेश्चन में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा था, अगर हम आज की तारीख में कंपनी को लिक्विडेट करते हैं तो क्या होगा, बिल्डिंग बेच के क्या होगा 200 करोड़ रुपए ज्यादा आ जाएंगे, बिल्डिंग बेच के क्या होगा 200 करोड़ रुपए ज्यादा आ जाएंगे, कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो गया 200 करोड़ से बढ़ गया, ठीक है 200 करोड़ से बढ़ गया। बट एक और चीज दिया था कि स्टॉक बेच के क्या होगा 50 करोड़ कमाएगा,
स्टॉक बेच के क्या होगा, 50 करोड़ से 50 करोड़ कम आएगा, कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो गया 50 करोड़ से कम हो गया। तो 450 + 200 - 50 कितना आ रहा है बताओ, 450 + 200 - 50 कितना हो जाएगा, 600 करोड़। ये आपका लास्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया, 600 करोड़। समझ में आ गया? तो जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट था वो तो बहुत ही आसान था, उसके आंसर आप ओरली बता पाते हो कि सन लिमिटेड का वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से कितना है, 450 करोड़ है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से कितना है, 600 करोड़ है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अभी हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ मेसर्स टीएस लिमिटेड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ मेसर्स टीएस लिमिटेड, क्या क्या दिया है देखो आपको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 5 करोड़ का, इंटरेस्ट ऑन डेट जो है कितना है 1 करोड़ है, और आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया कितना 10%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी कितना 4 करोड़, ठीक है। टैक्स 25% के हिसाब से कितना है 1 करोड़ आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, 4 - 1 यानी कितना 3 करोड़, ठीक है। आगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच कितना है, 40 लैक्स। अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा फिर, अर्निंग्स पर शेयर 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 लैक्स। 40 लैक्स को आप क्या लिख सकते हो, 0.4 करोड़ लिख सकते हो, कितना आएगा 7.5 आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है वरना आप खुद से भी निकाल सकते थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो क्या होगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 7.5। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको कितना दिया 75। पी रेशियो भी उसने लिख के दे दिया क्वेश्चन में, बट आप खुद से भी निकाल सकते थे। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 75, अर्निंग्स पर शेयर कितना है 7.5। तो 75 डिवाइड बाय 7.5 कितना हो गया 10। पी रेशियो कितना है 10, ठीक है। आगे का आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करना। टीएस लिमिटेड हैज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 8 करोड़ रुपीज। टीएस लिमिटेड हैज एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 8 करोड़ रुपीज। कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 3 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट, ठीक है। ये जो कंपनी है टीएस लिमिटेड, इसके पास अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स कितने के 8 करोड़ के, मतलब उसके पास अभी 8 करोड़ रुपया पड़ा है। कंपनी को जो 3 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एक्सपांशन करना होगा, ठीक है, उसको अभी अपना धंधा फैलाना है, तो उसके लिए उसको क्या है 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। और वो एक्सपांशन जो है नए प्रोजेक्ट वगैरह में पैसा लगा रही है, तो प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो प्रोजेक्ट में जो रिटर्न जनरेट करेंगे वो क्या रहेगा, अभी जो एट प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके बराबर ही हम क्या करेंगे नए वाले प्रोजेक्ट से रिटर्न जनरेट करेंगे। एक लाइन देखो इधर दे रखिए, दी कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 3 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन, और देखो क्या लिखा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट। कंपनी अभी ये जो एडिशनल 3 करोड़ रुपये लगा रही है, ठीक है, एक्सपेंशन पर्पज के लिए कोई नई प्रोजेक्ट में कंपनी 3 करोड़ रुपये लगा रही है, उससे जो रिटर्न जनरेट कर पाएगी कंपनी वो क्या रहेगा, अभी कंपनी का जो एट प्रेजेंट आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बराबर ही रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने लिख के दे दिया। आगे हाउएवर इफ द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज हायर देन 35% देन पी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 8 times। अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कंपनी का 35% से ज्यादा रहता है तो उस केस में कंपनी का पी रेशियो जो है गिर के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट टू 14%, और उस केस में क्या होगा, जो एडिशनल डेट लेना पड़ रहा है कंपनी को उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितना रहेगा 14% का रहेगा, ठीक है। गिवन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द कंपनी वुड प्रीफर एंड व्हाई। यहाँ पर कंपनी के पास देखो बता रहे 2 options अवेलेबल है। कंपनी को जो 3 करोड़ रुपये चाहिए ना, ठीक है, कंपनी को जो 3 करोड़ रुपये चाहिए एक्सपेंशन पर्पज के लिए, उसके लिए कंपनी के पास क्या 2 options अवेलेबल है। पहला ऑप्शन, If the required amount is raised through debt, पहला रूट क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, पूरा की पूरा 3 करोड़ रुपए का डेट ले सकती है, बैंक के पास जाएगी और क्या करेगी, उससे लोन ले लेगी 3 करोड़ का, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, If the required amount is raised through equity,
एंड दी न्यू शेयर्स विल बी इश्यूड एट अ प्राइस ऑफ ₹25 ईच। कंपनी को जो 3 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, नए इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है और एक शेयर जो है कितने पे इश्यू कर रही है, ₹25 में। उससे क्या होगा, 3 करोड़ आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन वन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या ऑप्शन टू। सिंपल सी चीज़ें हम क्या करेंगे, दोनों ही ऑप्शन से क्या करेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कंपनी ऑप्शन वन लेती है तो उस केस में कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहेगा, और अगर कंपनी ऑप्शन टू लेती है तो उस केस में कंपनी का शेयर प्राइस क्या रहेगा। जो भी ऑप्शन में कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा आएगा वो ऑप्शन कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पूरा काम अब किस पे रहेगा कि हम ये दोनों ही ऑप्शन से कंपनी का शेयर प्राइस निकालने वाले। अगर कंपनी ऑप्शन वन लेती है तो उस केस में उसका शेयर प्राइस कितना निकल के आ रहा है वो, और अगर कंपनी ऑप्शन टू प्रेफर करती है, ठीक है, ऑप्शन टू लेती है तो उस केस में उसका शेयर प्राइस कितना निकल के आ रहा है वो, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आखिरी में कमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये वाला क्वेश्चन जो है फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखे जाए तो आपके सीए फाइनल का है ही नहीं, मतलब सीए फाइनल के इसमें भी दे रखा है और साथ में ये वाला क्वेश्चन सीए इंटर में भी है। ठीक है, आपके सीए इंटर का जो एफएम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी ये वाला सेम क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। और ये क्वेश्चन फिर उन्होंने क्या करा था, ये सेम क्वेश्चन पहले उन्होंने सीए इंटर में पूछा था जहां तक, और बाद में क्या करा था, फिगर्स चेंज कर दिया था और बाद में सीए फाइनल एएफएम के पेपर में आया था। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा वैसा कुछ। ओके, बट ये वाला सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है सीए इंटर के पेपर में भी टेस्ट करा जा चुका है। कैसे करोगे दो जो चीज आप निकाल सकते हो वो सब चीज आप निकाल के देख लो। सबसे पहली चीज तो आप क्या करो, अभी प्रेजेंट में कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप निकाल लो। एट प्रेजेंट कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप निकालना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना ही पड़ेगा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ, कोई भी कमेंट करके बताए कि स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट जो है फटाफट से कमेंट करके बताएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। आर ओ सी ई का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत बार यूज करते हैं ना हम एएफएम में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या होता है फॉर्मूला, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। एकदम करेक्ट, ठीक है, गौरव ने जो आंसर दिया एकदम से, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आएगी, अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को सी से डिनोट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आएगा, एक तो इक्विटी फंड आएगा और साथ में क्या होगा बताओ, इक्विटी फंड आने वाला है और साथ में क्या चीज आएगा, जो भी लॉन्ग टर्म डेट वगैरह होती है ना वो आता है आपका। ठीक है, इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है, इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी फंड में क्या क्या चीजें आती हैं, इक्विटी फंड में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड जो होता है आपका, इक्विटी फंड जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो शेयर कैपिटल आएगा और दूसरा क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। ओके, क्लियर यहां तक। चलो अब आप मुझे बताओ कंपनी का, पहली बात तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन लेने के पहले, ऑप्शन नंबर वन में तो क्या हो रहा है, कंपनी और 3 करोड़ का डेट ले लेगी ना, ठीक है, बट उसके पहले ऑप्शन नंबर वन में कंपनी जो है क्या करेगी, 3 करोड़ रुपए का और डेट ले लेगी। मैं पूछ रहा हूँ उसके पहले जो है कंपनी का अभी लॉन्ग टर्म डेट कितना है, कंपनी का अभी लॉन्ग टर्म डेट कितना है। आपको क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है उसको यूज में लो, आप इजीली निकाल सकते हो। आपको इंटरेस्ट ऑन डेट दे रखा है, ठीक है, अभी आपको एट प्रेजेंट कंपनी का जो इंटरेस्ट ऑन डेट है वो दे रखा है कितना है, 1 CR है, और साथ में आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया है कितना है, 10% है। आप ही बताओ यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट कितना रहेगा, कंपनी का यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट कितना निकल के आएगा, एकदम इजीली निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, 1/10%। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 1 क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो 1 करोड़ / 10% कितना आ रहा है बताना, एकदम करेक्ट, 1 करोड़ / 10% कितना हो गया, 10 करोड़। बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम करेक्ट। लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 10 करोड़। अब आप मुझे फटाफट से ये भी बता दो, कंपनी का इक्विटी फंड कितना है, ये शेयर होल्डर्स फंड कितना है, कंपनी का इक्विटी फंड कितना है। देखो किधर ना किधर से निकलेगा, इक्विटी फंड भी आप निकाल सकते हो, इधर ना किधर से तो निकलने वाला है, इक्विटी फंड भी आप एकदम इजीली निकाल सकते हो, कोशिश करो, कहां से निकलने वाला है। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया है, कितना है, 8 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, 8 करोड़ है। अब अगर मैं शेयर कैपिटल निकाल लेता हूँ तो बात बन जाएगी, शेयर कैपिटल क्या रहेगा बताओ, शेयर कैपिटल क्या रहेगा, निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 40 लाख, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 40 लाख, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 40 लाख, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10। यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो शेयर कैपिटल यहाँ पर हम पूरा काम करोड़ में कर रहे हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 40 लाख, तो 40 लाख यानी क्या हो गया, 0.4 करोड़, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10। सो 0.4 × 10 कितना हो गया, 4 करोड़। ओके, शेयर कैपिटल कितना हो गया हमारा, 4 करोड़, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया था, 8 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया, 8 करोड़ का। इक्विटी फंड कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल 4 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 8 करोड़, तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 CR। ओके, 12 करोड़। अब तो आप इजीली कैपिटल एम्प्लॉयड बता पाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर इक्विटी फंड 12 करोड़ प्लस लॉन्ग टर्म डेट 10 करोड़, तो 12 + 10 इज वॉट, 22 करोड़, 12 + 10 इज 22 करोड़, ठीक है, एकदम करेक्ट। अब आप बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा, अब आप ROCE निकाल सकते हो, अब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, क्या रहेगा, EBIT, आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी जो क्वेश्चन में दे रखा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 5 करोड़, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 5 करोड़, लिखते जाना, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी हमने निकाला कितना है, 22, 5 / 22 × 100 कितना आ रहा है, कर लो 5 / 22 × 100, ये आपका आना चाहिए 22.73%, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा 22.73%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22.73%। हमने ये सबसे पहला काम कर लिया कि अभी एट प्रेजेंट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 लेने के पहले ही, ठीक है, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमने क्या करा, निकाल के बता दी, बात समझ में आ गई, ओके, चलो अब देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, उसको आपने रीड करना, एक कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 35% से ज्यादा रहता है तो उस केस में कंपनी का पी रेशियो क्या होगा, गिर के 8 हो जाएगा, और जो एडिशनल डेट लेना पड़ रहा है कंपनी को, कंपनी जो भी एडिशनल डेट लेगी वो क्या रेट से लेना पड़ेगा, 14% से लेना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमारा कितना आ रहा है, दोनों ही ऑप्शन में हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं फटाफट से चेक कर लेते, ठीक है, ऑप्शन 1 में भी चेक कर रहे हैं और ऑप्शन 2 में भी, ऑप्शन 1 में भी चेक करेंगे इसे और ऑप्शन 2 में भी, ओके, बताओ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सी चीज है, नाम में ही दिख रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो जो भी आपका डेट है कंपनी में वो, कंपनी का जो भी पूरा डेट है, कंपनी का जो भी डेट है वो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, कंपनी का जो भी डेट है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100, बताना ऑप्शन वन में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना रहेगा, ऑप्शन वन में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना रहेगा, फटाफट से देखो, कंपनी का पहले से डेट कितना है, ठीक है, कंपनी का पहले से डेट कितना है, 10 करोड़ का है, ठीक है, कंपनी का पहले से डेट कितना है, 10 करोड़ का है, बट ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है,
ऑप्शन नंबर वन में कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी को फंड चाहिए 3 करोड़ रुपीज का, वो कंपनी क्या कर रही है, डेट से ही रेस कर रही है। ओके, जो 3 करोड़ रुपीज का फंड चाहिए कंपनी को, क्या कर रही है कंपनी, ऑप्शन नंबर वन में डेट से ही रेस कर रही है। अब बताना नया डेट कितना रहेगा, नया डेट कितना रहेगा, 10 करोड़ पहले का वो तो रहने ही वाला है और 3 करोड़ और, तो 10 प्लस 3। ओके, अब डेट कितना रहेगा ऑप्शन नंबर वन में, 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 22। ओके, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 22 करोड़। अब कंपनी और जो है 3 करोड़ का अगर डेट ले लेगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 3 करोड़ से बढ़ जाएगा। सो 22 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, बताना कितना आ रहा है, 13/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑप्शन वन में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना आ गया, निकाल लो, 13/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया, 52%। करेक्ट है, 52%। चेक करो क्या 52% आपका 35% ज्यादा है क्या, हाँ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अगर 35% से ज्यादा है तो पी रेशियो क्या होगा आपका, गिर के 8 हो जाएगा, और नया डेट जो कंपनी लेगी वो क्या रेट पे लेगी, 14% पे लेगी। ठीक है, 52% जो है ये आपका 35% से ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, नया पी रेशियो जो है कंपनी का वो क्या हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा, 8 times हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट रेट जो है, ओके, इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू डेट जो है वो क्या रहेगा, 14% रहेगा। यहाँ पर कंपनी जो 3 करोड़ रुपीज़ का नया डेट लेगी ना, कंपनी जो 3 करोड़ रुपीज़ का नया डेट लेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 14% का रहने वाला है। ठीक है, अब ऑप्शन टू का देखो, ऑप्शन टू में आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी वही डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऑप्शन टू में क्या लिखा था देखना, ऑप्शन टू में कि जो हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट है 3 करोड़ रुपीज़ का, जो हमें फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो क्या कर रहे हैं, इक्विटी के रूट से रेस कर रहे हैं। हमें जो 3 करोड़ रुपीज़ का फंड्स का रिक्वायरमेंट है हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी के रूट से रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना ऑप्शन नंबर टू में आपका डेट कितना रहेगा, जो पहले था इतना ही रहने वाला है। ठीक है, जो पहले था इतना ही रहने वाला है तो क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर टू में तो आपका डेट कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 3 करोड़ से बढ़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 करोड़ से बढ़ जाएगा। क्या होगा, 10/22+3 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आ गई, क्या होगा, 10/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, देख लो, 10/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, ये कर लो कैलकुलेटर पे, 10/25 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आपका आ रहा है 40%, कितना आ रहा है, 40%। और 40% भी क्या है, 35% से तो ज़्यादा ही है, 40% भी क्या है, 35% से ज़्यादा ही है। यहाँ पर क्या होगा, पी रेशो जो है ऑप्शन नंबर टू में भी पी रेशो जो है गिर के क्या हो जाएगा, 8 times हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर टू में ये वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर टू में तो क्या हो रहा है, जो 3 करोड़ रुपीज़ का फंड चाहिए हो तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी के रूप से रिस्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट ऑन न्यू डेट जो 14% रहेगा वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो हम फटाफट से क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर निकाल रहे हैं दोनों ही ऑप्शन में, ओके, दोनों ही ऑप्शन में अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा वो हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखना आपने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही से कमेंट करके बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या रहेगा दोनों ही ऑप्शन में। ठीक है, अब आपका नया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या रहेगा दोनों ऑप्शन में, एक्सपांशन करने के पहले कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना है, 5 करोड़। ठीक है, एक्सपांशन करने के पहले कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कितना है, 5 करोड़। बट अब तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांड कर ले रही है। ठीक है, 3 करोड़ रुपए लगा के क्या कर रही है, एक्सपांशन कर रही है। और क्लियरली लिखा था कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट में 3 करोड़ रुपए लगाएगी
उससे जो उसको रिटर्न जनरेट होगा वो किसके बराबर रहेगा, जो उसका अभी प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, अभी जो कंपनी का प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बराबर रहेगा। अब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा? पहले का जो 5 करोड़ हो रहा था वो तो होने ही वाला है अभी भी, ठीक है। एक्सपांशन करने के पहले कंपनी को जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो रहा था 5 करोड़ का, वो तो होगा ही होगा। प्लस अभी जो 3 करोड़ रुपए लगाया है, अभी जो 3 करोड़ रुपए लगाया है उसके ऊपर भी क्या होगा, कंपनी क्या कर रही है, जितना पहले ठीक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था इतना ही रिटर्न क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। हमने ऑलरेडी निकाला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 22.73%। अभी एट प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 22.73%। और क्वेश्चन में बोला है कंपनी जो नए प्रोजेक्ट में 3 करोड़ रुपए लगा रही है उससे भी कितना रिटर्न जनरेट करेगी, इतना ही, 22.73%। फटाफट से कर लो ये और बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेटर पे करो इसे और बताओ क्या आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.73%। और उसमें जो है 5 ऐड कर दो कितना हो गया, 5.6819 आ रहा है ना, ठीक है 5.6819 आ रहा है ना। एक बार चेक करना अक्षय, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 5.6819 आएगा अक्षय, 5.262, कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, समझ में आ गया क्या ये, ओके। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने देखो क्या चीज पूछा है, मैंने क्या चीज पूछा है देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि कैसे आया, 3 करोड़ रुपए लगाने के पहले, ठीक है 3 करोड़ रुपीस लगाने के पहले कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, ठीक है शिवानी, 3 करोड़ रुपए लगाने के पहले कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 5 करोड़ रुपीस का है, ठीक है कितना है, 5 करोड़ रुपीस का है, ओके। और क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन में अब क्या लिखा था कि कंपनी रिक्वायर्स रुपीज 3 करोड़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है रीड करो ये, विच इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज प्रेजेंट। कंपनी अभी ये जो 3 करोड़ रुपए लगाएगी नई प्रोजेक्ट पे, ठीक है कंपनी ये जो 3 करोड़ रुपए लगाएगी नए प्रोजेक्ट पे उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर पाएगी, जितना अभी उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना इतना ही, अभी कंपनी का जो एट प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इतना ही रिटर्न वो क्या कर पाएगी, उस पर भी जनरेट कर पाएगी, समझ में आ गया, ओके। तो क्या होगा, ये जो कंपनी ने 3 करोड़ रुपए लगाया है, कंपनी ने जो 3 करोड़ रुपए लगाया है इसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करेगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय, हमने ऑलरेडी देखो निकाल रखा था ये चीज, हमने ऑलरेडी निकाल रखा था कि एट प्रेजेंट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 22.73%। तो 3 करोड़ रुपए जो कंपनी लगा रही है उसके ऊपर भी कितना रिटर्न जनरेट होगा, 22.73% के हिसाब से ही होगा। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.73%, ये आप निकाल लो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.73% कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.6819। तो देखो कंपनी पहले से 5 करोड़ रुपए का तो पीबीआईटी बना ही रही थी, कंपनी जो है पहले से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 5 करोड़ रुपए का बना ही रही थी, और अभी ये जो 3 करोड़ रुपए हमने जो लगाए हैं नए प्रोजेक्ट में तो क्या होगा, एडिशनल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बन रहा है, 0.6819 का, पूरा मिला के कितना हो गया, 5.6819 का, समझ में आ गया, ठीक है लिख दो से 5.6819। ऑप्शन नंबर 2 में भी क्या होगा सेम, उसमें थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, 5.6819। अब आप देखो क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या करोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे, ठीक है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे। फटाफट से आप मुझे बताओ ऑप्शन 1 में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, मिस्टेक मत करना, ऑप्शन 1 में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, देखो पहले का 1 करोड़ का तो इंटरेस्ट रहने ही वाला है, ऑप्शन 1 में ये पहले का 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट तो रहने ही वाला है। और अब क्या हो रहा है, ऑप्शन 1 में हम 3 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, डेट से रेस कर रहे हैं, ऑप्शन 1 में हम ये जो 3 करोड़ रुपए को क्या कर रहे हैं, डेट से रेस कर रहे हैं। और अभी हमने जो नया डेट लिया है 3 करोड़ का, ठीक है अब हम ये जो नया डेट ले रहे हैं 3 करोड़ का ऑप्शन 1 में, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 14% रहेगा,
उसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 14% रहेगा। ऑप्शन वन में आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, पहले का 1 करोड़ प्लस ये पहले का 1 करोड़ प्लस अभी जो नया डेट लिया है 3 करोड़ का, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है 14%। तो 1 + 3 × 14% करो, 1 + 3 × 14% ना आ गया 1.42। ऑप्शन वन में, ऑप्शन वन में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है, 1.42 करोड़ आ रहा है। ऑप्शन टू में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा, ऑप्शन टू में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा, 1 करोड़ ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही अभी रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन टू में तो हमने कुछ भी एडिशनल डेट लिया ही नहीं ना, जितना पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस था उतना ही अभी भी रहने वाला है। ऑप्शन वन में क्या हो रहा है, जो 3 करोड़ रुपए वो हम क्या कर रहे हैं, डेट से रेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है 14% है। यहाँ पर ऑप्शन वन में आपका नया इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रहेगा, पुराना वाला जो 1 करोड़ है तो रहने ही वाला है, और जो नया वाला डेट है 3 करोड़ का उसके ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, 3 × 14% जो कि कितना हो गया 0.42। तो पूरा मिला के कितना हो गया 1.42। इंटरेस्ट लेस करने के बाद बताओ कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट लेस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 5.6819 − 1.42 कितना हो गया 4.2619। एंड यहां पर 5.6819 − 1 कितना होगा 4.6819, ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से देखो अब आप क्या करो, लेस कर दो टैक्स, टैक्स का रेट क्या था वो भी क्वेश्चन में दिया है, टैक्स का रेट क्या है 25%, ओके, टैक्स का रेट है 25%, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 25% टैक्स निकालना फटाफट से, 4.2619 × 25% कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर आप 4 decimal places तक लिख रहे हो तो ये आपका आ जाएगा 1.0655, और ऑप्शन टू में टैक्स कितना आएगा 4.6819 × 25% ये कितना आ रहा है 1.1705। टैक्स लेस करो और बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.2619 − 1.0655 कितना हो जाएगा 3.1964। एंड ऑप्शन टू में कितना आएगा 4.6819 − 1.1705 कितना आ रहा है 3.5114। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो है अब आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। पहले आप निकाल लो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, पहले आप निकाल लो दोनों ही ऑप्शंस में आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा। तो देखो पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, पहले से कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 40 लाख। और ऑप्शन नंबर वन में तो क्या हो रहा है, आप पूरा की पूरा 3 करोड़ रुपए क्या कर रहे हो, डेट से रेस कर रहे हो। तो आपने नया कोई भी इक्विटी शेयर इश्यू किया क्या, नहीं। तो जितने पहले आपके इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग थे उतने ही क्या रहेंगे, बाद में भी रहेंगे, ऑप्शन नंबर वन में क्या रहेगा 40 लाख। 40 लाख को आप करोड़ में लिख दो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है 0.4। बट ऑप्शन नंबर टू में बताना कितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग रहेंगे, फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर टू में कितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग रहेंगे। ऑप्शन नंबर टू में देखो क्या था कि हम पूरा की पूरा 3 करोड़ रुपए जो है क्या कर रहे हैं, इक्विटी से रेस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर टू में हम पूरा की पूरा 3 करोड़ रुपए इक्विटी से रेस कर रहे हैं, और उसके लिए हम नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, और एक शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं 25 रुपए में, एक शेयर कितने में इश्यू कर रहे हैं 25 रुपए में। यहाँ पर बताना पूरे मिला के कितने शेयर हो जाएंगे, अब ऑप्शन नंबर टू में कितने शेयर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, पहले के देखो 40 लाख के, पहले के 40 लाख, और अभी जो है कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा कंपनी को, जो है कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा 3 करोड़ रुपए रेस करने के लिए कंपनी को कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा। एक शेयर जो है कंपनी 25 रुपए में इश्यू कर रही है,
कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा, 3 crore/25, ठीक है एकदम करेक्ट, 3 crore/25, ये कितना आ रहा है 0.52 आ रहा है, 0.4 + 0.12 कितना हो गया 0.52 करेक्ट, ओके 0.52। अब आप क्या कर सकते हो, अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हो, फटाफट से अर्निंग्स पर शेयर निकालना, अर्निंग्स पर शेयर 3.1964/0.4 कितना आ रहा है 3.1964/0.4 ये आपका 7.991 आ रहा होगा, और ऑप्शन नंबर टू में अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर टू में 3.5114/0.52 ये कितना हो गया 6.753, अगर हम 3 decimal places तक लिख रहे हैं तो 6.753। पी रेशो कितना रहेगा दोनों ही ऑप्शंस में, दोनों ही ऑप्शंस में पी रेशो कितना रहेगा 8 times रहेगा, हमने ऑलरेडी पहले ही देख रखा है, दोनों ही ऑप्शंस में पी रेशो कितना रहने वाला है 8 times रहने वाला है। अब आप बता दो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रहेगा, दोनों ही ऑप्शंस में मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई करो पी रेशो से, तो 7.991 × 8 कितना हो गया 63.93। और ऑप्शन नंबर टू में आपका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ रहा है 6.753 × 8 कितना हो गया 54.02। आप बताओ कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऑप्शन वन जो है कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है ज़्यादा है, अर्निंग्स पर शेयर क्या है ज़्यादा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो कंपनी ने जो 3 crore rupees रेज करना है ना, कंपनी को जो 3 crore rupees चाहिए एक्सपांशन पर्पज़ के लिए, कंपनी ने उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन वन जो है प्रेफर करना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं सभी को ये, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रहेगा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 43 एक बार रीड करो, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग सभी एक बार क्वेश्चन नंबर 43 जो उसको रीड करना स्टार्ट करो। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 each हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100। He is expecting a bonus at the ratio of 1:5 during the 4th year. Annual expected dividend is 20% and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base. He intends to sell the shares at the end of 7th year at an expected price of ₹900. Incidental expenses for purchase and sale of shares are estimated to be 5% of the market price. He expects a minimum return of 12% per annum. Should Mr. A buy the share? If so, what maximum price should he pay for each share? Assume no tax on dividend income and capital gain. Question कोई बहुत ज़्यादा tough नहीं है, थोड़ा सा tricky है, ठीक है? यहाँ पर silly mistake होने की chances रहती है ज़्यादा। इसके लिए वाला question जो है, मैंने अभी क्या करा class में ही ले लिया, वरना ये homework दे सकता था। इतना कोई बहुत tough नहीं है question। ठीक है, फटाफट से देखो यहाँ पर आपको जो डेटा दे रखा है, ठीक है आपको जो डेटा यहाँ पर दिया है उसको आप कैसे यूज में लोगे, यहाँ पर आप कैसे यूज में लोगे, आपको एक चीज दी है कि जो पर्सन है मिस्टर ए वो क्या कर रहा है, कंपनी के शेयर्स खरीदने का सोच रहा है, ठीक है ₹500 देखें और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है ₹100। बाद में एक चीज
ये जो दिया है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। ठीक है, मिस्टर ए को ऐसा लग रहा है कि फोर्थ ईयर में क्या होगा, कंपनी जो है क्या करेगी, बोनस शेयर्स देगी और किस रेशियो में, 1:5 में। ठीक है, मतलब हर 5 शेयर के बदले में क्या होगा, एक शेयर बोनस में मिलेगा, हर 5 शेयर के बदले में क्या होगा, एक शेयर जो है बोनस में मिलेगा। अब देखो क्या दिया, एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज वॉट 20% एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपांडेड कैपिटल बेस। अब जब कंपनी फोर्थ ईयर में बोनस शेयर्स इश्यू कर देगी, कंपनी का क्या होगा, कैपिटल बेस बढ़ जाएगा ना, बट उसके बाद भी जो एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो क्या रहेगा, 20% से चलने वाला, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा सब चीजें जो क्वेश्चन में दी है। और क्या दिया देखो, वो जो पर्सन है मिस्टर है वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि वो सेवेंथ ईयर के एंड में जो है क्या करेगा, शेयर को बेच देगा, और उसको लग रहा है कि सेवेंथ ईयर के एंड में शेयर प्राइस कितना रहेगा, 900 रुपए का रहने वाला है। और क्या चीज दिया है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस। मिस्टर ए जब शेयर खरीदेगा ना तब भी उसको 5% का क्या होगा, खर्चा लगने वाला है, और जब शेयर बेचेगा तब भी क्या होगा, 5% का खर्चा लगेगा। ओके, एंड ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 12%। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 12%। तो आप क्या करो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो शेयर का। ठीक है, आज की तारीख में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा वो आप निकाल लो, जो आपको पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, फोरकास्टेड डेटा दे रखा है, उसके हिसाब से आप क्या करो, आज की तारीख में शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए मिस्टर ए के हिसाब से, आज की तारीख में शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए मिस्टर ए के हिसाब से वो आप निकाल लो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टेबल बना लो उसके लिए, ईयर, उसके बाद क्या होगा, कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फटाफट से करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43। यहां पर आप क्या करोगे, टेबल बना लेना, ईयर, ये पहला कॉलम हो गया आपका ईयर का, दूसरा कॉलम आपका हो गया कैश फ्लोस का, मतलब जो भी डिविडेंड वगैरह का पैसा मिलेगा हर साल के साल वो, और आखिरी में जब आप शेयर बेच देंगे, ठीक है, मिस्टर ए जब आखिरी में शेयर बेच देगा उसके जो पैसा आएगा वो, तो पहला कॉलम हो गया ईयर का, दूसरा कॉलम हो गया कैश फ्लोस का, तीसरा कॉलम हो रहा है देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का, और चौथा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज का। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड क्या है, 7 साल का है पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया उसने, सेवेंथ ईयर के एंड में क्या होगा, मिस्टर ए जो है क्या करेगा, शेयर बेच देगा और उससे क्या होगा, 900 रुपए आएंगे, सेवेंथ ईयर का जो डिविडेंड रहेगा ना उसमें आप क्या करोगे, वो वाला पैसा भी जोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होने की देखो चांसेस कहाँ पे रहती है मैं आपको बता दूंगा, अभी आप लोग आंसर्स देंगे ना उसमें हो सकता है कि कोई स्टूडेंट गलत आंसर दे दे। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना रहेगा बताओ, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आप ऐसा मानो कि जो पर्सन है मिस्टर है इसने एक शेयर खरीद लिया। ठीक है, ये जो पर्सन है मिस्टर है इसने क्या करा, वो जो कंपनी है उसका एक शेयर खरीद लिया, 500 रुपये देके उसने क्या करा, एक शेयर खरीद लिया, जो भी खर्चा लगेगा 5% का वो सब दे दिया उसने। ठीक है, और क्या करा, शेयर खरीद लिया, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपये, और एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, 20%। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना रहेगा, 100 × 20%, करेक्ट। ठीक है, 100 × 20% यानी कितना, 20 रुपये। सेकेंड ईयर का डिविडेंड कितना रहेगा, सेकेंड ईयर का सेम, ठीक है, 100 × 20% यानी कितना, 20। थर्ड ईयर का कितना रहेगा, थर्ड ईयर का भी कितना रहेगा, 20। फोर्थ ईयर का कितना रहेगा, ठीक है, फोर्थ ईयर का कितना रहेगा, फटाफट से कमेंट करो, फोर्थ ईयर में डिविडेंड कितना रहेगा, 24। ठीक है, करेक्ट है, 24 रहेगा। कैसे समझो, अभी तो मिस्टर ए ने क्या करा, एक ही शेयर खरीदा। ठीक है, अभी तो मिस्टर ए ने क्या करा, एक ही शेयर खरीदा है, बट फोर्थ ईयर में वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, उसने एक एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर्स इश्यू करेगी, क्या रेशियो में, 1:5 में। उसने अभी जो एक शेयर खरीदा है उसके ऊपर उसको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, उसको उसके ऊपर कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे, 1/5। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, बोनस शेयर्स कितना मिलेगा मिस्टर ए को, उसने अभी एक शेयर खरीदा ना, ठीक है, अभी आज की तारीख में उसने एक शेयर खरीदा, और जब कंपनी फोर्थ ईयर में बोनस शेयर्स देगी उसको कितना बोनस शेयर्स मिलेगा, 1/5, विच इज व्हाट, 0.2। तो फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स
फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, मिस्टर ए के पास कितने शेयर रहेंगे, जो उसने एक शेयर खरीदा था स्टार्टिंग में वो, और उसको अभी जो 0.2 शेयर्स मिला बोनस का वो, पूरा मिला के कितना हो गया 1 + 0.2 यानी कितना हो जाएगा 1.2। बात समझ में आ गई, 1 + 0.2 यानी कितना हो जाएगा 1.2। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, अब क्या होगा, जो डिविडेंड है वो क्या होगा 1.2 शेयर्स में मिलेगा, डिविडेंड जो क्या होगा 1.2 शेयर्स में मिलेगा, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया 24। और ये 24 कैसे आ रहा है देखो, हम यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं कि 24 कैसे आया, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20। आपको अगर बताना है 1.2 भी कैसे आ रहा है, तो क्या रहेगा 1 + 0.2, एक शेयर स्टार्टिंग में खरीदा था वो और 0.2 शेयर्स बोनस का मिला वो, तो 1 + 0.2 यानी कितना हो गया 1.2। एक शेयर पे डिविडेंड क्या हो रहा है, 20 रुपये का मिल रहा है, तो 1.2 शेयर्स पे कितना 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, फिफ्थ ईयर में डिविडेंड कितना मिलेगा, फिफ्थ ईयर में डिविडेंड कितना मिलेगा, वही 24 रुपये। ठीक है, वो थोड़ी ना कुछ चेंज होगा, फिफ्थ ईयर में भी क्या होगा 1.2 शेयर्स ही रहेंगे, तो डिविडेंड कितना मिलेगा 24 रुपये। सिक्स्थ ईयर में डिविडेंड कितना मिलेगा 24 रुपये का ही। सेवेंथ ईयर में पूरा मिला के कैश फ्लो कितना रहेगा, सेवेंथ ईयर में पूरा मिला के कैश फ्लो कितना रहेगा। ठीक है, अब देखो सेवेंथ ईयर में तो क्या होगा, डिविडेंड का पैसा तो मिलेगा ही उसके, और साथ में क्या होगा, सेवेंथ ईयर के एंड में वो क्या कर रहा है, शेयर को बेच भी दे रहा है। अब बताओ पूरा मिला के यहाँ पर उसको कितना कैश इनफ्लो होने वाला है सेवेंथ ईयर में। ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से करो कितना आएगा, यहाँ पर भी बताना क्या आएगा। सेवेंथ ईयर में देखो क्या होगा, डिविडेंड का 24 रुपये तो मिलने ही वाला है। ठीक है, सेवेंथ ईयर में डिविडेंड का 24 रुपये तो मिलेगा ही, और साथ ही में क्या होगा, उसके पास जो शेयर्स है वो क्या करेगा, उसको बेच देगा मिस्टर ये, जो क्या करेगा सेवेंथ ईयर के एंड में जो भी उसके पास शेयर्स है उसको क्या करेगा, बेच देगा। एक शेयर कितने में बेचेगा, 900 रुपये में। तो लग रहा है कि सेवेंथ ईयर के एंड में जो शेयर प्राइस कितना रहेगा, 900 रुपये रहेगा। सेवेंथ ईयर के एंड में जो है शेयर प्राइस कितना रहेगा, 900 रुपये रहेगा, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और उसके पास कितने शेयर्स है, इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर क्या, उसके पास कितने शेयर्स है बताओ, उसके पास कितने शेयर्स है, उसके पास है 1.2 शेयर्स, उसके पास है 1.2 शेयर्स। तो 1.2 शेयर्स बेच के कितना रुपया आएगा बताओ, 1.2 शेयर्स बेच के कितना रुपया आएगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900। ठीक है, उसके पास है 1.2 शेयर्स, तो 1.2 शेयर्स बेच के आएगा कितना रुपए, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900। बट क्वेश्चन में एक और चीज दे रखा था कि जब वो शेयर्स बेच रहा है या जब भी वो शेयर्स खरीद रहा है क्या हो रहा है, 5% का खर्चा लग रहा है, क्या उसको पूरा इतना रुपया मिल जाएगा क्या, जब वो शेयर्स बेचेगा क्या उसको इतना पूरा रुपया मिल जाएगा क्या, नहीं। क्या होगा, इसमें से 5% कट के मिलेगा, कितना मिलेगा इसका, 95% ही मिलेगा। चलो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 95%, फटाफट से निकालना, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 95% कितना आ रहा है, 1026 आ रहा होगा, 1026। ठीक है, ये 1026 क्या है आपका, अमाउंट रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर बाय सेलिंग दी शेयर्स। नेट अमाउंट रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ सेवेंथ ईयर बाय सेलिंग दी शेयर्स कितना है, 1026। यहां पर आप क्या लिखोगे, 24 + 1026। सेवेंथ ईयर में 24 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और शेयर्स बेच के जो पूरा पैसा आएगा नेट में वो कितना रहेगा, 1026 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 24 रुपये का तो डिविडेंड मिल गया और शेयर्स बेच के जो नेट में रुपया आएगा वो कितना रहेगा, 1026 रहेगा। तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा बताओ, 24 + 1026 कितना हो जाएगा, 1050। समझ में आ गया। ठीक है, डिस्काउंटिंग का रेट क्या है बताना, यहाँ पर डिस्काउंटिंग का रेट है मेरे ख्याल से 12%। हाँ, 12%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लो आप खुद से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लो एट द रेट ऑफ 12%। करते जाओ कैलकुलेटर पे और बताओ कितना आ रहा है, निकाल लिया है आप लोगों ने, ये फिगर्स फील कर लो आप, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की फिगर्स पूरी फील कर लो और प्रेजेंट वैल्यूज भी निकाल लो। ठीक है, और देखो
बाद में जो आपका आखिरी वाला कॉलम है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज वाला जो पूरा कॉलम है, ठीक है, उसका आपका एडिशन कितना आ रहा है? तो एडिशन एक स्टूडेंट ने बताया 563.68 आ रहा है, 563.68 आ रहा है, ओके, 563.68 आ रहा है, ये आप लोग कर लो। मैं एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट से उसको लिख के कंप्लीट कर लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपने लिख लेना है पूरे ये, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप लिख लो पहले 7 साल के, और बाद में कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करते जाना उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ में, तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यूज आते जाएगी, और बाद में प्रेजेंट वैल्यूज जो आपकी आ रही है हर कैश फ्लोज की उसका आपने समेशन कर लेना है, तो आपका 563.68 आ रहा है, ठीक है, 563.65 भी चलेगा, वो राउंडिंग ऑफ वगैरह की वजह से फर्क आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, 563.65 कह रहा है एक स्टूडेंट कह रहा है 563.68 चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप 563.65 लिख दो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे उसके लिए आपके, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसीजन देना है, कमेंट करके बताना, शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर, शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर। अब देखो क्या हो रहा है, आज की तारीख में तो शेयर प्राइस कितना है, 500 रुपये, ठीक है, आज की तारीख में शेयर प्राइस कितना है, 500 रुपये, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है मिस्टर ए के हिसाब से उस शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मिस्टर ए के हिसाब से उस शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है, 563.68 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि शेयर्स क्या है, अंडर प्राइज्ड है, और मिस्टर ए ने क्या करना चाहिए, शेयर्स खरीदना चाहिए, ओके। हाँ, आउटफ्लो आप जो बोल रहे हो 525 रुपीज़ का होगा, ठीक है, आउटफ्लो जो है 525 रुपीज़ का होगा, ठीक है, आप इसमें 500 में जो क्या कर सकते हो कि 5% और बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि जब आप शेयर खरीद रहे हो तब भी क्या हो रहा है, 5% का खर्चा लग रहा है, जब आप शेयर खरीद रहे हो तब भी क्या हो रहा है, आपको 5% का खर्चा लग रहा है, तो जेब से आपका पूरा जो पैसा जाएगा कितना जाएगा, 525 जाएगा, ठीक है, जेब से आपका जो पैसा जाएगा कितना जाएगा, 525 जाएगा, ठीक है, बट मिस्टर ए के हिसाब से आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो कितना रहना चाहिए, 563.68 रहना चाहिए, मिस्टर ए के हिसाब से आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो कितना रहना चाहिए, 563.68 रहना चाहिए, और मिस्टर ए अगर आज की तारीख में शेयर खरीदता है तो जेब से पूरा मिला के कितना पैसा जाएगा, 500 रुपये तो शेयर्स खरीदने में वो, और 5% का जो खर्चा लगेगा उसके ऊपर वो, तो 500 + 5% ऑफ 500 यानी कितना होगा, 525 होगा, तब भी क्या होगा, शेयर्स अंडर प्राइस ही लग रहे हैं ना, तो उसने तो क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, ठीक है, ये आपने लिख के बता देना है, या आप ऐसा कमेंट करके बता दोगे यहाँ पे। अब सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, क्या बताओ आंसर क्या रहेगा, इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर, If so, what maximum price should he pay for each share? अगर मिस्टर ए यहां पर शेयर खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा है, तो मैक्सिमम प्राइस वो क्या दे सकता है, मैक्सिमम प्राइस वो क्या दे सकता है, एक शेयर के पीछे मिस्टर ए मैक्सिमम प्राइस क्या दे सकता है? अगर आपको लग रहा है कि आंसर 563.68 है, तो आपका आंसर हो गया गलत, ठीक है, अगर आप बोलोगे 563.68 रुपीस मैक्सिमम दे सकता है एक शेयर के पीछे, तो गलत, ठीक है, जब वो शेयर खरीदेगा क्या होगा, 5% का खर्चा और लग जाएगा ना फिर, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस जो एक शेयर के पीछे वो दे सकता है 563.68 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 563.68 डिवाइडेड बाय 105% रहेगा, 563.68 डिवाइडेड बाय 105% वो करने में 536.84 आ रहा है, क्या चेक कर लेना, 563.68 डिवाइडेड बाय 105% 536.84 करेक्ट 536.84 समझ में आ गया सभी को, ठीक है, एक शेयर के पीछे मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकता है मिस्टर ए, एक शेयर के पीछे मैक्सिमम प्राइस कितना दे सकता है, अगर किसी को डायरेक्टली नहीं समझ में आया कि हम 105% से क्यों डिवाइड कर रहे हो उसे, देखो आप ये मान लो कि मिस्टर ए जो है एक शेयर के पीछे जो मैक्सिमम प्राइस दे पा रहा है वो कितना है, एक्स रुपीज, That maximum price that Mr. A can give per share BX rupees, ठीक है, अब देखो क्या होगा, उसने जो है क्या करा, X rupees देके वो शेयर खरीद लिया, ठीक है, उसने X rupees देके क्या करा, वो शेयर खरीद लिया,
बट साथ में क्या होगा, 5% का खर्चा भी लगेगा जब वो शेयर खरीद रहा है, तब क्या होगा 5% का क्या होगा इंसिडेंट एक्सपेंसेस जो है, ठीक है वो भी लगेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 5% ऑफ x एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट दिस 563.68 ओके, ये हो जाएगा आपका 1.05x इज इक्वल टू 563.68, x क्या हो जाएगा 563.68 डिवाइडेड बाय 1.05, जो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था पहले 563.68 डिवाइडेड बाय 105%, ये कितना आ रहा है 536.8, क्लियर है, ठीक है। यहां पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। अभी देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सेकेंड वेट करना। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, रीड करना स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 14 को, 14, ठीक है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम इक्विटी वैल्यूएशन वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट होता है ना आपका, ठीक है बिजनेस वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म का, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का, एंड साथ ही में क्या होगा आपका जो बाकी भी क्वेश्चंस रहते हैं बिजनेस वैल्यूएशन के, ठीक है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, वो वाले क्वेश्चंस भी कवर कर ले रहे। एक बार ये पूरा निपट गया उसके बाद में क्या होगा बॉन्ड वैल्यूएशन वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको रीड करो, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2021 जून 2021 पेपर में पूछा गया था, ठीक है आरटीपी में 2012, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये तो बहुत पुराना सोर्स हो गया, बट उसके बाद जो है 2021 या 22 में पूछा गया था, बट मेरे ख्याल से ओल्ड कोर्स में पूछा था, न्यू कोर्स में नहीं ओल्ड कोर्स में पूछा था, ठीक है। एक बार रीड करो, ये The following data pertains to XYZ Incorporation engaged in software consultancy business as on 31st of December 2010. क्या क्या information दिया है आपको देखो, income from consultancy दिया है $935 million, earnings before interest and tax 180, interest on loan दिया 18, earnings before tax कितना होगा 180 minus 18 यानी कितना 162, और टैक्स का रेट 35%। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 105.30 आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 105.30। साथ में देखो आपको बैलेंस शीट भी दे रखा है, ठीक है ध्यान से देखना, आपको बैलेंस शीट भी दे रखा है। असेट्स में क्या क्या चीज़ है, लैंड एंड बिल्डिंग है 200, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर 295, करंट असेट्स में डेटाज 150 के, बैंक है 100 का और कैश है 40 का, पूरा मिला के करंट असेट से 290 का एंड टोटल असेट से 785 के। लाइबिलिटीज भी एक बार देख लेते क्या क्या चीज़ें, इक्विटी स्टॉक है 100 का और यहाँ पर दिया है कि 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है $10 है, ठीक है पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है $10। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 325 का है, ओके लोन्स 180 एंड करंट लाइबिलिटीज कितना है 180, ठीक है। With the above information and following assumptions, you are required to compute. सबसे पहले आपको compute करना है economic value added और बाद में आपको compute करना है market value added. और आपको कुछ additional information देखो दे रखी है। Weighted average cost of capital कितना है 12%. Weighted average cost of capital है 12%. And the shares of the company are currently quoted at $50 each. पहले तो आपको formula पता होना चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, उसके बिना तो ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैं आपके एंड से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बताओ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
अभी हमारे हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा, वरना मैं आपको इसका पूरा रीजनिंग भी देता था कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या रहता है कोई तो स्टूडेंट बता दे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्या होगा, आधी बात तो बन जाती है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा आपका, नोपैट माइनस, करेक्ट, ओके, नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल बोल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो, एक ही बात है, एकदम करेक्ट। नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह अगर आप इन्वेस्टेड कैपिटल भी बोलोगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो या इन्वेस्टेड कैपिटल बोल दो, एक ही बात है, क्लियर। नोपैट कैसे निकलेगा, नोपैट कैसे निकलेगा ये भी बताओ। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दे रखा है, कितना है, 12% है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे, ठीक है, हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में आज देखा ही था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे, बैलेंस शीट आपको जो दे रखी है उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है नोपैट कैसे निकलेगा, नोपैट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नोपैट का फॉर्मूला क्या होता है, नोपैट बताओ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ओके, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला रहेगा, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आपको देखो ईबीआईटी दे रखा है क्वेश्चन में, आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 180 है। टैक्स रेट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 35% है। तो बताओ नोपैट कितना रहेगा, लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, नोपैट हम निकाल लेते हैं फटाफट से, नोपैट हम निकाल लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपैट, विच इज व्हाट, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आपको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है जो कि कितना है, 180 है, और टैक्स रेट कितना है, 35% है, सो 1 माइनस 0.35, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, कर लो फटाफट से, कितना आ रहा है, 117 आ रहा है। ठीक है, और ये सब फिगर्स हम क्या कर रहे हैं, मिलियन डॉलर्स में लिख रहे हैं, 117 मिलियन डॉलर्स। आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया, 117 मिलियन डॉलर्स, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में सब फिगर्स किसमें दिए, मिलियन डॉलर्स में दिए, ये हमारी भी जो हम फिगर्स लिख रहे हैं सब क्या, मिलियन डॉलर्स में। तो 117 मिलियन डॉलर्स ये हमारा नोपैट है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है, वो तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर, वरना वो भी निकालना पड़ता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उन्होंने क्वेश्चन में दे ही रखा है कितना है, 12% है। बस अब आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकालोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अब बताओ इक्विटी फंड में क्या क्या चीज आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और रिजर्व सरप्लस भी आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कितना है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 और रिजर्व सरप्लस कितना है, 325। तो आप लिख दो 100 प्लस 325, ये आपका इक्विटी फंड हो गया। और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, लोन्स कितना है, 180 है, प्लस 180 कितना हो जाएगा, 425 प्लस 180, दिस इज व्हाट, 605।
ओके 425 प्लस 180 इज व्हाट 605। या फिर यहां पर आप ऐसा भी कर सकते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज में ले लो, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स कितने हैं 785 के, टोटल असेट्स कितने हैं 785 के, और करंट लाइबिलिटीज कितना है 180 है। सो 785 माइनस 180 वो करके भी कितना आएगा आपका 605 ही आएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो लोग आपको टोटल असेट्स दे देते हैं और करंट लाइबिलिटीज दे देते हैं, उससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना रहा, तो आप कैसे करोगे, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 785 जो है टोटल असेट्स है और करंट लाइबिलिटीज कितना 180 है, उससे भी कितना होगा 605 ही आएगा। अब तो आपका काम हो ही जाने वाला है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है उसे लिखो, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नोपैट इज व्हाट 117 माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट 605। सो 605 मल्टीप्लाइड बाय 12%, ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड जो 605 है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%, कितना आ रहा है आपका फाइनल आंसर 117 माइनस 605 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 605 मल्टीप्लाइड बाय 12% दिस इज व्हाट 72.6 के 72.6। तो 117 माइनस 72.6 ये भी कर लो, 117 माइनस 72.6 117 माइनस 72.6 करने में कितना आ रहा है 44.4 आ रहा है। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना आ गया 44.4 मिलियन डॉलर्स, जो भी आपने फिगर्स लिखे सब क्या है मिलियन डॉलर्स में। तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ चुका है, अभी तो सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ही आया। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू एडेड के लिए भी जो भी काम करना है वो पूरा करते जाओ। मार्केट वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे पहले तो फॉर्मूला बताओ, मार्केट वैल्यू एडेड निकालने का यहां पर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा बताना। सिंपल चीज होती है, मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू एडेड का आपका फॉर्मूला क्या होगा, कंपनी का जो मार्केट वैल्यू आ रहा है आपका, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है उसमें से आप क्या करो लेस कर दो, में आप लेस कर दो, क्या लेस करना रहेगा उसमें आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड है एज पर बुक, ठीक है, वो आपको लेस करना रहेगा। कुछ मिस्टेक लग रही है फॉर्मूले में, ठीक है, मार्केट वैल्यू एडेड प्लस इन्वेस्टेड कैपिटल, कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मैं मार्केट वैल्यू एडेड का तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मार्केट वैल्यू एडेड जो है मार्केट वैल्यू एडेड प्लस इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे रहेगा, तो गड़बड़ हो रही है वहाँ पे आपके जो फॉर्मूले में आपने लिखा है गौरव। मार्केट वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स, ओके, इन्वेस्टेड कैपिटल बोल दो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो एक ही बात है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आप निकाल सकते हो क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आप निकाल सकते हो। गौरव आप ये जो फॉर्मूला बता रहे हो ठीक है, बट यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा यूज में लेना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला जाएगा। आपके पास देखो क्या है शेयर प्राइस है, ठीक है, आपके पास जो है वो क्या है शेयर प्राइस है, कितना है $50। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास है $50 और साथ में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आपके पास है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है 10 मिलियन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इजीली वो जो कंपनी उसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हो, उस कंपनी का पूरा वैल्यूएशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला यूज में लोगे मार्केट वैल्यू एडेड का कौन सा रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जैसे अभी मैंने आपको बताया कैसे करोगे आप, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 50 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आपको दे रखा है कितना है 10 मिलियन है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स कितना था 605 था, कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बुक्स कितना है 605
और देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू एडेड जब आप कर रहे हो, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जो है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो उससे क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका वैल्यू निकल के आया सिर्फ, ठीक है। कंपनी मतलब क्या होगा, जब आप कंपनी की बात कर रहे हो, जब आप ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, दो जन आएंगे, कौन कौन, एक तो जो शेयर होल्डर्स है वो, और एक क्या होगा, जिन्होंने डेट दिया है कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी आएगा। अब यहाँ पर देखना एक चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने वो पहले नहीं लिखा था, आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा और उसको आपने स्टेट कर देना। यहाँ पर आप मानोगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो क्या है, बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो दिया नहीं है ना, हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दैट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ डेट। यहाँ पर आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी है, उसमें क्या होगा, ये तो इक्विटी वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है वो तो आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू वो आ गया 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। बट कंपनी में क्या होगा, ओवरऑल कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो लोग आएंगे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आएंगे और डेट होल्डर्स भी आएंगे, ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड किया है कंपनी को, बात समझ में आ रही। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा क्या चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। बट क्वेश्चन में उसने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं दिया है, क्वेश्चन में उसने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं दिया है, तो आप उसको जीरो मत लेना, उसको आप जीरो मत लेना। क्या करना, आपने एक अजम्पशन लिख देना कि यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है, हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है कितना मान रहे हैं, बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर मान रहे हैं, ओके। कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 180। एंड जनरली ये चीज होती भी है, ठीक है, कि डेट जो आपका बुक केस में दिखता है उतना ही उसकी मार्केट वैल्यू भी रहती है, ओके। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 180 माइनस 605 कितना हो जाएगा बताओ, तो 500 प्लस 180 इज व्हाट, 680 माइनस 605 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 मिलियन डॉलर्स, 75 मिलियन डॉलर्स। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या चीज देखो कि आप क्या करो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास क्या है, 10 मिलियन शेयर्स है कंपनी के, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास क्या है, 10 मिलियन शेयर्स है कंपनी के, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 50 है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 50 है, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 मिलियन शेयर जो आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाइड बाय 50 पर शेयर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया, 500, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो गया, 500। अब देखो आप क्या करो, इक्विटी फंड एज पर बुक वैल्यू जो है वो आप निकाल लो, इक्विटी फंड एज पर बुक वैल्यू, इक्विटी फंड एज पर बुक वैल्यू कितना है, 100 प्लस 325, इक्विटी फंड एज पर बुक वैल्यू कितना है, 100 प्लस 325, तो 100 प्लस 325 कितना हो जाएगा, 425। तो ये 500 में से आप क्या करो, 425 लेस कर दो, कितना आ रहा है बताना, 500 माइनस 425 दिस इज व्हाट, 75 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। देखिए वैसे भी यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है वो क्या, बुक वैल्यू ऑफ डेट के बराबर ही है। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, सिर्फ जो इक्विटी वाला कंपोनेंट है ना उसको ही कंसिडर करो, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 10 मिलियन शेयर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 10 मिलियन शेयर्स है उनका वैल्यू कितना है, ठीक है, उनका मार्केट वैल्यू कितना है वो आप निकाल लो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो 10 मिलियन शेयर्स है उनका मार्केट वैल्यू कितना है वो आप निकाल लो, सो 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और एक शेयर का प्राइस 50 है, उनका वैल्यू कितना हो गया, 500 है, कितना है, 500। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड जो आप बोलते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड वो बुक वैल्यू के हिसाब से कितना है, शेयर होल्डर्स फंड एज पर बुक वैल्यू, शेयर होल्डर्स फंड एज पर बुक वैल्यू कितना है, 100 प्लस 325, 100 प्लस 325 जो कि कितना हो गया, 425। अब इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड करो, 500 माइनस 425 तो कितना आ रहा है, 75 मिलियन डॉलर्स आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है 75 मिलियन डॉलर्स। तो आपको जैसा प्रेजेंटेशन करना है वैसा प्रेजेंटेशन करके आ सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम में जो है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछना रहा तो पूछ सकते हैं, या फिर एग्जाम में ये जब पूछा गया था तो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना ओल्ड कोर्स के पेपर में पूछा गया था, जहां तक ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट इतना आसान क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ी कम रहेगी, एग्जाम में वो जो क्वेश्चन पूछते हैं
उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने को बोलेंगे, वो मार्केट वैल्यू एडेड भी निकालने को बोलेंगे, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परोस के नहीं देंगे आपको, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे, खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लगेगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डब्ल्यू डी मल्टीप्लाइड बाय के डी प्लस डब्ल्यू ई मल्टीप्लाइड बाय के। आप क्या करोगे, वेट ऑफ डेट निकालोगे पहले, फिर वेट ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालोगे, और बाद में आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे। उसके लिए क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को आप यूज करके क्या करोगे, ये सब चीज निकाल लोगे, और उससे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा, फिर उसको आप यूज में लोगे, और उससे फिर क्या होगा, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकल के आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर तो उसने क्या करा था, ईबीआईटी वगैरह भी उसने डायरेक्टली दे दिया था, ईबीआईटी भी दे दिया था और टैक्स रेट भी दे दिया था। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम डायरेक्टली आपको ईबीआईटी दे देगा, कुछ अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे आप खुद को क्या करना पड़ेगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको सेल्स दे दे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दे, ठीक है, फिर उसमें से क्या करेगा, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे देगा, तो आप लेस करोगे तो फिर क्या होगा, ईबीआईटी आएगा, वो सब चीज, ठीक है। उस तरीके से भी वो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। एक बार देखो जो क्वेश्चंस होमवर्क में, उसे नोट करना, ठीक है, जो क्वेश्चंस होमवर्क में मैं अभी आपको दे रहा हूं उसे आप लोग नोट करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, क्वेश्चन नंबर 8, आज हमने जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क में, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए उस टाइप के क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 जो है होमवर्क में, हाँ एक सेकेंड, सॉल्यूशन शो कर कीजिए, बोल रहा है स्टूडेंट, ये वाला बोल रहे हो आप, अच्छा ये वाला सॉल्यूशन दिखाने को बोल रहे हो, या वो जो मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया था वो वाला लिख लो, इसमें 180 क्या था, 180 जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, ठीक है अक्षय, इसमें 180 जो है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। अब क्वेश्चन में उसने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको अलग से तो दिया नहीं था, तो हमने क्या करा, जो बुक वैल्यू ऑफ डेट है उसको ही क्या करा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मान लिया, ठीक है। देखो जब भी आप ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हो, जब भी आप ओवरऑल कंपनी की बात कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, दो जन आएंगे ना कंपनी में, तो एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आएंगे और जो डेट होल्डर्स है जिन्होंने लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड कर रखा है कंपनी को वो भी आएगा। ये जो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, ये तो क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो 10 मिलियन शेयर है उसका वैल्यू हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो 10 मिलियन शेयर है उसका वैल्यू हो गया। एंड जो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमने क्या माना कि जो बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है वही क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू भी रहेगा। इसके लिए हमने 180 का 180 लिख दिया, क्लियर। और बाद में हमने क्या करा, उसमें से ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी हो गया, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर बुक्स। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी दो चीज आती है ना, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हो उसमें भी हम दो चीज लेते हैं ना, एक तो इक्विटी फंड लेते हैं और एक लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी जब आप फाइंड करोगे उसमें भी क्या होगा, फिर दो चीज आएगी ना, एक तो क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू और जो डेट है उसका मार्केट वैल्यू, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 एकदम आसानी से बना लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 22 नहीं, ओके क्वेश्चन नंबर 22 नहीं होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, तो तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क में।
ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? आज हमने जो भी पढ़ा उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो, समझ में आते जा रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को, क्या चीज पूछा है वो देखो, और उसके हिसाब से सोचो कि क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन, उसको आप कैसे यूज में लोगे, ठीक है, जिससे आपका आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको स्टेप्स बनाना पड़ेगा, ये स्टेप्स आपको मन की मन में पूरी बनानी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसे खुद से ट्राई करके देखो, सॉल्यूशन वगैरह मत देखना, सॉल्यूशन देखना तो छोड़ ही दो, ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो मुझे क्लास में आप पूछ लो, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे ही क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वजह से दिक्कत आती है, क्वेश्चन लिखा होता है उसके तुरंत नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेट ही नहीं करते, क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी वेट ही नहीं करते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप मुश्किल से 10-15 सेकंड सोचोगे और बाद में क्या करोगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दोगे। और फिर क्या होता है, सॉल्यूशन जब हम रीड करते हैं जब तो सब कुछ समझ में आता है, हाँ हाँ ये सब बराबर है, सब सही है वैसा, बट फिर जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, हमारा हाथ ही नहीं चलता है, ठीक है, हम लिख ही नहीं पाते सॉल्यूशन। इसके लिए कभी भी क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद आप क्या करो, एक बुक लेके बैठो, आप बाद में उसमें रफ में करो, भले ही से चलेगा, बट सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है, नहीं आता है तो आप पूछो सीधा, मुझे पूछ लो वगैरह वैसा। और जो चीज़ नहीं आती है, जो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहे हैं, उनको स्टार मार्क करते जाना, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उसको आपने एग्जाम के पहले देख के ही जाना है, ठीक है। और जो भी एडजस्टमेंट कोई भी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको टफ लग रही है वैसा, उसको भी आपने हाईलाइट करते जाना, तो आपके एग्जाम के पहले देख के हो जाए, ठीक है। चलो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइमिंग पे 7 बजे मिलेंगे, और इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते जाने वाले। ओके, बाय बाय एवरीवन।